हेलो गाइस, आज से मैं एक नए कोरियन ड्रामे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है रेवेनेंट। ये बेसिकली एक हॉरर सीरीज है। सीरीज के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कहीं से लौटकर अपने घर वापस आता है। वो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ रहता था। उसके घर लौटने के बाद हम एक स्पिरिट का शैडो भी देखते हैं। वो आदमी काफी डरा हुआ था। अंदर आकर वो दरवाजा बंद कर देता है और अपनी डायरी में कुछ ढूंढने लगता है। मन में कह रहा था कि कहां पर गलती हो गई। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और उसकी मॉम आवाज लगाने लगती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो अपने आप को देखता है। वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने दरवाजा खोल दिया। कुछ देर के बाद जब उसकी मॉम वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसका बेटा फांसी पर लटका हुआ था। अगले सीन में हम इस सीरीज के लीड कैरेक्टर सानियंग को देखते हैं। वो ब्रिज के पास खड़ी होकर पानी को देख रही थी। उसी ब्रिज के दूसरे तरफ हम एक आदमी को देखते हैं। वो यहाँ पर किसी से बात कर रहा था। वो आदमी एक प्रोफेसर होता है। उन दोनों की बातें चली रही होती है तभी वो नोटिस करता है पानी के बीच में से बहुत सारे स्पिरिट्स कहीं जा रहे हैं। स्पिरिट्स को देखकर वो ब्रिज की तरफ भागता है। तभी वो देखता है सारे स्पिरिट्स एक आदमी की तरफ जा रहे थे और अचानक से वो आदमी पानी में कूद जाता है। इस तरफ सानियंग को उसकी मॉम का मैसेज आता है। उसकी मॉम मैसेज में लिखी थी कि जिन लोगों ने फ्रॉड करके उनके पैसे चुराए वो आदमी पकड़ा गया है। जब सानियंग वहाँ पहुँचती है तब उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें इनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि उस फ्रॉड आदमी ने सारा पैसा खर्च कर दिया। जब पुलिस वाले उस आदमी को लेकर जा रहे थे तब वो हंस रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है। उसको हंसता हुआ देखकर सानियंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसको मारने के लिए दौड़ती है लेकिन पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। अगले सीन में हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं। उसे यहाँ पर एक लेटर आया हुआ था। ये लेटर उसको उसी आदमी ने भेजा था जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। उसने लेटर में लिखा था कि अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी की हेल्प करना। उसका नाम सानियंग है। जब सानियंग अपनी मॉम के साथ घर जा रही थी तो वो अपनी मॉम पर बहुत चिल्लाती है। पूछती है कि आपने बिना चेक करे सारे पैसे क्यों दे दिए। उसकी मॉम कहती है मैं और क्या करती, उन लोगों ने मुझे यही कहा कि तुम किडनैप हो गई हो। ऊपर से तुम फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी इसलिए डर के मारे मैंने सारे पैसे दे दिए। रात में सानियंग की मॉम को किसी का कॉल आता है। वो सानियंग से कहती है हमें तुरंत ही कहीं जाना होगा। रास्ते में उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या तुमको तुम्हारे डैड याद है। फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं सानियंग के डैड उसको भूतों की कहानी सुना रहे थे। सानियंग बोलती है मुझे कुछ खास तो याद नहीं है क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी। उसकी मॉम कहती है उस टाइम पर उनकी डेथ नहीं हुई थी, जब तुम 5 साल की थी तब हम अलग हो गए थे। सानियंग ये बात सुनकर बहुत शॉक थी क्योंकि उसकी मॉम ने हमेशा उसको यही बताया था कि उसके डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। उसकी मॉम कहती है उस टाइम पर मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम हर वक्त उनके बारे में पूछती रहती थी और मेरा उनसे मिलने का कोई भी प्लान नहीं था। और अब मैं तुम्हें ये सारा कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब सच में उनकी डेथ हो गई है। अगले सीन में वो अपने डैड के घर पहुँचती है। यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर से भी मिलती है। सानियंग की मॉम वहाँ से तुरंत निकलने लगती है लेकिन उसकी दादी कहती है कि मुझे सानियंग से कुछ बात करना है। सानियंग अपनी दादी से पूछती है कि मेरे डैड क्या करते थे। उसकी दादी बताती है कि तुम्हारे डैड फोकलोर के प्रोफेसर थे। उसकी दादी उसे एक बॉक्स देती है और कहती है कि ये तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। उस बॉक्स के अंदर कोई अजीब सी चीज थी। वो जैसे ही उसको टच करती है तो उसे एक आवाज आता है। आवाज कह रहा था उसने ले लिया। सानियंग को अजीब फील तो होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देती। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी मॉम वही बॉक्स देखती है और डर के मारे बॉक्स को फेंक देती है। कहती है तुम्हें इस घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाना है। सानियंग जब बाहर आती है तो हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं जिसको हमने पहले भी देखा था। वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम सानियंग है ना। सानियंग हाँ बोलती है। तभी प्रोफेसर सानियंग की परछाई नोटिस करता है जो बहुत डरावना सा था। प्रोफेसर जब घर आता है तो हम देखते हैं उसने सानियंग के डैड से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखे हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर सानियंग काम करते करते चेयर पर ही सो गई थी। तभी हम मिरर में सानियंग का रिफ्लेक्शन देखते हैं जो चेयर से उठकर वहाँ पर खड़ी हो गई थी लेकिन वो सानियंग नहीं थी क्योंकि सानियंग तो वहाँ पर बैठी हुई थी। अगले सीन में हम उसी फ्रॉड आदमी को देखते हैं जिसने सानियंग के पैसे लूटे थे। वो बेल पर बाहर आया था और किसी से बात कर रहा था। तभी उसे कॉल पे किसी की अजीब सी आवाज आने लगती है और वो आवाज उसको दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। अब वो अपना सारा सामान लेकर भागने के लिए दरवाजा खोलता है लेकिन तभी दरवाजे पर कोई खड़ा था। वो कहती है तुमने दरवाजा खोल दिया। इस तरफ सानियंग जब नींद से उठती है तो देखती है कि उसके लैपटॉप का स्क्रीन टूटा हुआ है। उसको कहीं जाना था इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। वो रास्ते में देखती है उसके फोन में बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। सारा मैसेज उसको प्रोफेसर नहीं किया था लेकिन वो सोचती है कि कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है इसलिए वो ध्यान नहीं देती। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खाना डिलीवर करने के लिए आई हुई थी। उसी वक्त वहाँ पर वो प्रोफेसर भी आ जाता है जो उसे मैसेजेस कर रहा था। वो उससे पूछता है तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया। फिर वो बताता है कि मैं एक फोकलोर का प्रोफेसर हूँ। जब वो उसका परछाई नोटिस करता है तो देखता है कि वो परछाई थोड़ा बड़ा हो गया था। सानियंग बहुत कंफ्यूज थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें किसी इविल स्पिरिट ने पकड़ लिया है। तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग जिनको तुम पसंद नहीं करती वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे क्योंकि इविल
स्पिरिट लोगों की विशेष को पूरा करके पावरफुल होता है। सानियंग बोलती है, मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है और मुझे दोबारा तभी कॉल करना जब मेरे लिए कोई काम हो। प्रोफेसर कहता है, मुझे कहीं जाना है तो मुझे ड्रॉप कर दो। रास्ते में वो सानियंग को बताता है कि वो इविल स्पिरिट को देख सकता है। वो ये भी बताता है कि जो इविल स्पिरिट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन जिसने तुम्हें पकड़ के रखा है वो काफी खतरनाक है। जाते वक्त वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम घर जाकर मिरर में चेक करना, तुम्हें जरूर कुछ अलग दिखेगा। सानियंग जब घर आती है तो वहाँ पर दो पुलिस पहुँच जाते हैं। वो बताते हैं कि जिस आदमी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है वो मर चुका है। पुलिस के जाने के बाद सानियंग को प्रोफेसर की कही हुई बात याद आती है, इसलिए वो मिरर में चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता। इस तरफ पुलिस स्टेशन में ये लोग उसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्हें बहुत अजीब फील हो रहा था क्योंकि उस आदमी ने एटीएम से सारे पैसे निकाले और उन पैसों को छत से फेंक दिया, फिर उसने अपनी ही जान ले ली। पुलिस को ये बात अजीब लग रही थी क्योंकि कैमरे पर तो वो अकेला था, लेकिन हर जगह सानियंग के फिंगरप्रिंट के निशान थे और उसके हाथ पर भी निशान थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पकड़ा हो। अगले सीन में वो पुलिस जाकर प्रोफेसर से मिलता है। पुलिस सानियंग के डैड को जानता था। वो प्रोफेसर बताता है कि सानियंग के डैड को किसी इवल स्पिरिट ने पकड़ लिया था और ये वही इवल स्पिरिट है जिसने इसकी मॉम को मारा था। बहुत साल पहले प्रोफेसर की मॉम का केस इसी पुलिस वाले को मिला था और तभी से ये उसको जानता था। अगले सीन में सानियंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आती है। उसकी फ्रेंड नई यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। लोग बता रहे थे कि इस घर में एक बच्ची का भूत है, लोगों को उस बच्ची की आवाज सुनाई देती है। सानियंग यहीं पर सो जाती है। रात के बीच में कुछ लड़के खिड़की खोलकर फोटोज निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से सानियंग की नींद खुलती है। उन लड़कों में से एक लड़के के हाथ पर कुछ नंबर लिखा हुआ था। वो जैसे उनको देखती है तो उनके पीछे एक डंडा लेकर भागती है, पर उन्हें पकड़ नहीं पाती। वो लड़के गलती से गलत घर में आ गए थे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दो लोग एक साथ जाते हैं और तीसरा बंदा अकेले ही जाता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। फोन उठाने पर उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी और अचानक से कोई उसके सामने आ जाता है। इस तरफ सानियंग अपनी फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी उन बच्चों का कंप्लेन करने के लिए, लेकिन पुलिस वाले ध्यान नहीं देते। जब सानियंग अपनी फ्रेंड के साथ वहां से निकल रही थी तब रास्ते में वो उसी लड़के को पड़ा हुआ देखती है जो एक्चुअली में मर चुका था। सानियंग को प्रोफेसर की बात सच लग रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाती है। वो बताती है कि उसके आसपास के दो लोगों की जान चली गई। प्रोफेसर जब उसकी परछाई देखता है तब उसकी साइज उसको सेम लग रही थी, इसलिए वो लोग उसी लड़के के फ्यूनरल में जाते हैं जो लड़का मर चुका था। फोटो देखकर उसे उस लड़के के चेहरे पर कोई निशान दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो निशान उस फोटो पर नहीं था। प्रोफेसर बताता है, इसको किसी और भूत ने मारा है। तभी वहाँ पर उस लड़के के दोनों दोस्त पहुँच जाते हैं। सानियंग को देखते ही वो लोग भागना चालू करते हैं। सानियंग भी उनके पीछे पीछे जाकर उनको पकड़ लेती है और पूछती है, तीसरा लड़का कहाँ गया? उस दिन तुम चार लड़के थे। एक इंसान के हाथ में 4237 लिखा हुआ था। ये सुनकर वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। प्रोफेसर कहता है, उन लड़कों के पीछे भी कोई दूसरा भूत पड़ा हुआ है। सानियंग उनसे पूछती है, अगर कोई भूत सामने आ जाए तो क्या करना होगा? प्रोफेसर बताता है, तुम्हें दरवाजे से बचकर रहना होगा। दरवाजे की इस तरफ की दुनिया और उस तरफ की दुनिया बहुत अलग अलग होती है। अगर कोई दरवाजा नॉक करे तो खोलने से पहले सब कुछ अच्छे से जान लो। प्रोफेसर को पुलिस बताता है, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको कुछ लोगों ने बहुत बुली किया था और उस लड़के के हाथ पर 4237 नंबर था। प्रोफेसर जब उसके घर पहुंचता है तो वहां पर कोई नहीं था। दरवाजे पे जो लॉक लगा था उस पे प्रोफेसर वही नंबर डालता है 4237 और दरवाजा खुल जाता है और अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ सानियंग के पास वही लड़का भागता हुआ आता है और कहता है, प्लीज मुझे बचा लो। वो बताता है, जिस लड़के के हाथ पर तुमने वो नंबर देखा वो लड़का तो मर चुका है। सानियंग फिर उस लड़के के साथ उसके घर जाती है। वो लड़का बताता है कि उसे उस मरे हुए लड़के का कॉल आता है और जब भी वो कॉल रिसीव करता है तो किसी बच्ची की रोने की आवाज आती है। वहां का दरवाजा देखकर उसको प्रोफेसर की कही हुई बात याद आती है और वहां पर लगे हुए मिरर में वो उसी मरे हुए लड़के का रिफ्लेक्शन देखती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में जब प्रोफेसर उस लड़के के घर में पहुंचता है तो उसे अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। इतने में उस लड़के के पेरेंट्स आ जाते हैं और प्रोफेसर को वहां से भगा देते हैं। दूसरी तरफ सानियंग उसी दूसरे लड़के के घर पर थी जहां पर वो युनवू को मिरर में देखती है। सानियंग इतना डर जाती है कि उस लड़के का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है और फिर जाकर एक मिरर के पास खड़ी हो जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि भूतों को मिरर में देखा जा सकता है। सानियंग उस लड़के से पूछती है कि आखिर युनवू की डेथ कैसे हुई थी। वो लड़का बताता है कि कुछ लोग मिलकर उसको बुली करते थे और इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। हमने कई बार तो उसको बचाने की कोशिश भी की थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं युनवू ने सुसाइड करने से पहले उन लड़कों से हेल्प मांगी थी। सानियंग प्रोफेसर को कॉल करके बताती है कि युनवू हमेशा अपनी बहन की बातें करता था और कहता था कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। इस तरफ सानियंग जिस भी मिरर में देख रही थी उसे
युनवो दिखाई दे रहा था। युनवो यहाँ पर किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, अब वो उस डायरेक्शन को फॉलो करने लग जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर युनवो के घर जाता है, जहाँ पर उसे अंदर से किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो खिड़की खोलता है तो वो छोटी सी लड़की को देखता है, तभी कोई आकर पीछे से उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। पुलिस सीसीटीवी में देखते हैं कि वो लड़का युनवो के डैड को देखकर भाग रहा था और फिर अचानक से वो गिरकर वहीं पर मर गया। इस तरफ उन लोगों ने प्रोफेसर का हाथ बांधकर उसको उसी रूम में बंद कर दिया था। वो जैसे तैसे करके अपना हाथ खोल लेता है। इस तरफ युनवो के पेरेंट्स कह रहे थे कि हमें उस बच्ची को मार देना चाहिए। प्रोफेसर यहाँ पर खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आवाज सुनकर युनवो के पेरेंट्स दरवाजा पीटने लग जाते हैं। प्रोफेसर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और उस बच्ची को बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में वहाँ पर सनियांग आकर बच्ची को बाहर निकालती है। अगले सीन में पुलिस वालों ने युनवो के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया था। प्रोफेसर देखता है कि युनवो वहीं पर खड़ा होकर अपनी बहन को देख रहा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब युनवो के पेरेंट्स सो जाते थे तब वो उसी बच्चे के पास आकर उसको खाने की चीजें देता था और कहता था कि एक दिन मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अपनी बहन को ठीक हालत में देखकर युनवो वहाँ से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर सनियंग की फ्रेंड उसको एक पार्टी में लेकर जाती है। सनियंग को जाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी फ्रेंड उसको वहाँ पर जबरदस्ती लेकर जाती है। उस पार्टी में हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो सनियंग के घर आया था। इस तरफ प्रोफेसर सनियंग से मिलने के लिए वो उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे सनियंग की मॉम मिलती है। वो अंदर जाकर जब सनियंग की मॉम को बताता है कि वो फोकटेल का प्रोफेसर है, तो सनियंग की मॉम उसे वहां से जाने को कहती है। प्रोफेसर कहता है कि सनियंग के जान को खतरा है। वो पूछता है कि रिसेंटली सनियंग ने किसी चीज को हाथ लगाया था क्या। तब सनियंग की मॉम को याद आता है कि कुछ दिन पहले सनियंग ने अपने डैड के घर में एक पुराना सा रेड कलर का हेयर बैंड टच किया था। ये सुनते ही प्रोफेसर एकदम से डर जाता है। दूसरी तरफ हम सनियंग को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। वो एक डॉल को लेकर उस डॉल को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही थी। एक्चुअली में ये सारा काम उसके अंदर का स्पिरिट कर रहा था। जब उसको होश आता है तो वो एकदम से डर जाती है और वहां से भागने लग जाती है। रास्ते में उसे एक मिरर दिखाई देता है, इसलिए वो मिरर के अंदर ध्यान से देखने की कोशिश करती है। यहाँ पर उसे अपनी परछाई बहुत ही अजीब दिखाई देती है, जैसा प्रोफेसर को दिखता था। थोड़ी ही देर में पूरा मिरर ब्लैक हो जाता है और वो रिफ्लेक्शन में उसे स्पिरिट को देख पा रही थी, जो बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा था। अचानक से वो इविल स्पिरिट गायब हो जाती है और तभी उसे एक विजन दिखाई देता है। विजन में वो अपनी दादी का घर देखती है। दूसरी तरफ हम सनियंग की दादी को देखते हैं, जो यहाँ पर सनियंग के डैड की किसी बुक को पढ़ रही थी। बुक के अंदर उसे एक शैमन की फोटो दिखाई देती है। कुछ ही देर में प्रोफेसर वहाँ पर आकर उसी रेड हेयरबैंड के बारे में उनसे पूछता है। जब प्रोफेसर उस हेयरबैंड को देखता है तो शॉक हो जाता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सनियंग के डैड को ये हेयरबैंड कहाँ से मिला। प्रोफेसर यहाँ पर सनियंग के डैड के रिसर्च के बारे में पूछता है। इसके पहले कि वो कुछ बोलती, दरवाजे पर बेल बजती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर वही इवल स्पिरिट थी, जो सनियंग का रूप लेकर यहाँ पर आई थी। इस तरफ प्रोफेसर उसी इवल स्पिरिट की परछाई देखता है। वो तुरंत ही सनियंग की दादी के रूम में भागता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सनियंग की दादी ने अपने आप को फांसी लगा ली है और सनियंग के डैड के सारे रिसर्च पेपर्स जल चुके थे। थोड़ी देर में सनियंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अपनी दादी को ऐसी हालत में देखकर वो एकदम से रोने लग जाती है। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। प्रोफेसर यहाँ पर डिटेक्टिव से कहता है कि जितनी भी चीजें जल गई है उनमें एक नोटबुक है, आप कैसे भी करके उस नोटबुक को रिस्टोर कर लो, ताकि मैं उस इवल स्पिरिट के बारे में कुछ पता कर सकूं। डिटेक्टिव यहाँ पर मानने को तैयार ही नहीं था कि ये काम इवल स्पिरिट का है। उसे तो यहाँ पर सनियंग पर ही शक हो रहा था, क्योंकि उसके दादी के मरने के बाद सारा पैसा सनियंग को ही मिलने वाला था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपने साथी को बताता है कि सनियंग के दादी के हाथ में जो निशान थे वो सेम निशान सनियंग के डैड के हाथ में भी थे, और वो यहाँ पर कुछ पुराने फाइल्स निकालता है और उन लोगों के हाथों में भी वही चोट के निशान थे। उनमें से जो एक केस था वो इस डिटेक्टिव का पहला केस था। यहाँ पर वो उस केस के बारे में बताता है। वो कहता है कि 1995 में एक मोटेल में आग लगने की हमें न्यूज आई थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक औरत को देखा जिसने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी, और उस औरत के हाथ में भी वही चोट के निशान थे। उस लेडी का एक छोटा बेटा भी था, जो बहुत दूर एक जंगलों में कहीं मिला था। वो लड़का कहता रहा कि उसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया है। दूसरी तरफ प्रोफेसर सनियंग को बताता है कि इसी रेड हेडबैंड के थ्रू उस स्पिरिट ने तुम्हें पॉसेस कर लिया है। सनियंग कहती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये रेडबैंड तो मुझे मेरे डैड ने दिया था। प्रोफेसर यहाँ पर उसे उसके डैड का एक लेटर दिखाता है, जिसमें उन्होंने सनियंग को हेल्प करने के लिए कहा था। प्रोफेसर बताता है कि उसके डैड को पता था कि इस रेड हेडबैंड से
जरूर वो स्पिरिट तुम्हें पॉजेस कर लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी हेल्प करने को कहा था। प्रोफेसर बताता है कि ये हेयर बैंड उनकी मॉम के पास था उनके मरने से पहले। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब प्रोफेसर छोटा था तो सडनली एक दिन उसके डैड की डेथ हो जाती है और अचानक से उसकी मॉम उसे एक जगह पर ले जाती है। जब प्रोफेसर की आंखें खुलती है तब वो अपनी मॉम को रास्ते के बीच में कुछ करते हुए देखता है। कार के बैक सीट पर वही हेयरबैंड रखा हुआ था। उसके बाद उसकी मॉम उसे एक मोटेल में लेकर जाती है। जब रात में उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर उसकी मॉम नहीं थी और वो हेयरबैंड भी वहाँ पर नहीं था। उसी टाइम दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उसकी मॉम उसे दरवाजा खोलने के लिए मना करती है लेकिन तब तक उसने दरवाजा खोल दिया था। दरवाजे पर वही इवल स्पिरिट थी जो कहती है कि तुमने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद प्रोफेसर की नींद हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर सारे लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने अपनी जान ले ली। वहाँ पर हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं और ये उसका पहला केस था। प्रेजेंट में प्रोफेसर बताता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था और वो पूरब की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि जहाँ पर सूरज उगता है वहाँ पर भूत प्रेत कम हो जाते हैं। प्रोफेसर उसको बताता है कि जब उसकी मॉम सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी तब देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उनसे जबरदस्ती ये सब करवा रहा था। उसके बाद प्रोफेसर सानियांग को उसके डैड के बहुत सारे रिसर्च के पेपर्स दिखाता है। जब सानियांग अपनी दादी के घर गई थी तो वहाँ पर उसने एक बुक के अंदर एक ड्रॉइंग देखा था, इसलिए वो उस ड्रॉइंग को बनाकर प्रोफेसर को दे देती है। वहाँ पर एक लोकेशन भी मेंशन किया हुआ था जिसका नाम था जानजेनरी। बहुत सारे पुराने बुक्स पर रिसर्च करने के बाद उनको जाकर इस जगह के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम 90s का सीन देखते हैं, उसी जानजेनरी का लोकेशन जहाँ पर बहुत सारे लोग डरे थे और वो एक पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ पर एक शैमन आती है, ये वही शैमन थी जिसकी फोटो सानियांग के डैड के बुक के अंदर थी और उसके हाथ में वही हेयरबैंड था। कुछ देर के बाद वो शैमन एक लड़की के पास जाती है। वो लड़की बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी और देखते ही देखते वो शैमन उस लड़की को मार देती है और जोर जोर से हंसती है। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था और रूम के बाहर किसी के हील्स पहनकर चलने की आवाज आ रही थी। 11 बजते ही उसके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लग जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई लेडी थी और उसके बाद वो लड़का काफी अजीब सा बिहेव करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में जहाँ पर डिटेक्टिव होंग मुनचिन से कहता है कि एक वीक के अंदर 3 बच्चों ने एक ही तरीके से सुसाइड किया है। वो तीनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही बिल्डिंग में रहते थे। होंग बताता है कि यूनिवर्सिटी के एक पेज पर एक पोस्ट अपलोड हुई थी जहां पर लिखा था कि जिस दिन बच्चों की डेथ हुई उस दिन बिल्डिंग में किसी के हाई हील्स पहनकर चलने की आवाजें आ रही थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर और सानियांग उसी मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को यहां पर एक पेड़ ढूंढना था लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहां की पूरी जगह बदल चुकी थी। वो लोग सोचते हैं कि यहां के ओल्ड जनरेशन को जरूर जानजेनरी बारे में कुछ न कुछ पता होगा, इसलिए अब वो दोनों जितने भी बूढ़े लोग मिल रहे थे सारे लोगों से जानजेनरी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाते हैं। इस तरफ सानियांग को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज में वो लिखती है कि हमारा एग्जाम है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से सानियांग डिसाइड करती है कि इस साल वो एग्जाम नहीं देगी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लोग भी उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां से इन लोगों को उन तीनों बच्चों की सुसाइड की न्यूज मिली थी। उन तीनों बच्चों में उन्हें एक चीज कॉमन दिखती है, उन तीनों के ही रूम में एक फिश बोल रखा हुआ था। वो दोनों ये भी नोटिस करते हैं कि तीनों के साथ एक लड़की थी जो हर फोटो में कॉमन थी और वो लड़की कहीं गायब हो गई थी, किसी को पता नहीं था कि वो कहां पर है। दूसरी तरफ प्रोफेसर और सानियांग एक आदमी से आकर मिलते हैं जिसको जानजेनरी के बारे में कुछ पता था। प्रोफेसर उनको मैप दिखाकर उस पेड़ के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि वो पेड़ तो वहीं पर हुआ करता था। उस पेड़ को दुखदली ट्री कहा जाता है। पता चलता है कि पास्ट में जब किसी बच्चे की मौत होती थी तब उस बच्चे को एक जार के अंदर डालकर उसी पेड़ से लटकाया जाता था। वो आदमी बताता है कि उस पेड़ को सुसाइड ट्री भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी जान दी थी। सानियांग यहाँ पर अपने डैड की फोटो दिखाती है तो वो आदमी कहता है इसको तो मैं पहचानता हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे भाई से मिलने के लिए आते थे। वो आदमी बताता है कि उसके भाई की पोती यहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो उसका नंबर भी दे देता है। जब ये दोनों उस लड़की के एड्रेस पर पहुँचते हैं तो प्रोफेसर को उस बिल्डिंग में 3 लोगों के लटकने की परछाई दिखती है और एक फंदा खाली था। ऊपर जाने पर इनको डिटेक्टिव्स मिल जाते हैं। एक्चुअली में ये वही लड़की थी
जिसकी फोटो उन तीनों विक्टिम के फोटोज में कॉमन थी। प्रोफेसर डिटेक्टिव को बताता है कि वो भूत एक और इंसान की जान लेने वाला है क्योंकि मैंने एक फंदा खाली देखा था। लेकिन डिटेक्टिव को तो इसकी बातों पर कोई भरोसा ही नहीं हो रहा था। अगले दिन प्रोफेसर वापस से उसी आदमी के पास जाता है और कहता है कि उस पेड़ की आपके पास कोई फोटो है क्या। वो आदमी उसे एक फोटो दिखाता है। प्रोफेसर नोटिस करता है कि ये पेड़ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने पिछली रात वहाँ पर परछाई में देखा था। इस तरफ सानियांग एक कैफे में जाकर पता करने की कोशिश करती है कि आखिर वो लड़की गई कहाँ पर। कैफे वाली बताती है कि वो लड़की तो बहुत दिनों से काम पर भी नहीं आई। सानियांग जैसे ही वहाँ से निकलती है तो बाहर उसे एक लड़का मिल जाता है और वो उसे बगल वाले शॉप पर लेकर आता है। जिस लड़की को सानियांग ढूंढ रही थी उसका नाम त्योंग होता है। ये लड़का पूछता है कि आखिर तुम त्योंग को कैसे जानती हो। सानियांग बताती है कि मुझे त्योंग के बारे में उसके ग्रैंडफादर ने बताया। वो लड़का यहाँ पर त्योंग के ग्रैंडफादर का एड्रेस मांगता है और कहता है कि उसकी कुछ चीजें मेरे पास है, मैं उसके घर पर भिजवा दूंगा। उसी वक्त सानियांग को उसकी लैंडलेडी का कॉल आता है और वो कॉल पर पैसे मांग रही थी। ये सारी बातें वो लड़का सुन रहा था। वो लड़का कहने लगता है कि अगर तुमको पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो लड़का कहता है कि मेरा बॉस बहुत दयालु है, ये तुम्हारी मदद कर देगा। सानियांग को किसी स्ट्रेंजर से पैसे लेने के लिए बहुत ही अजीब फील हो रहा था, इसलिए वो मना करके जाने लग जाती है। तो वो आदमी उसे एक फिश बॉल देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। इस तरफ डिटेक्टिव को सीसीटीवी में एक लेडी दिखाई देती है। पता चलता है कि इस लेडी का नाम त्योंग था और ये हर हफ्ते विक्टिम से मिलने के लिए उसी अपार्टमेंट में आती थी। पर यहाँ पर एक अजीब चीज थी, अंदर जाते वक्त वो दिखाई देती थी लेकिन बाहर आते वक्त उसको कोई नहीं देख पाता था। इस तरफ प्रोफेसर नोटिस करता है कि वो फोटो बदल चुका है, इसलिए वो वापस से उस आदमी को कॉल करता है और पूछता है कि आपके पास कोई और फोटो है क्या। वो आदमी बताता है कि त्योंग के पास इस फोटो की एक और कॉपी है। इस तरफ डिटेक्टिव लोग उसी लड़की के ग्रैंडफादर के घर जाते हैं जहाँ पर वो लेडी बताती है कि सब कुछ उन लोगों की वजह से हो रहा है और उन्हीं लोगों की वजह से त्योंग डर कर कहीं छुप गई है। सानियांग वापस से उसी शॉप में पहुँचती है लेकिन वहाँ पर वो ओनर नहीं था। अंदर जाने पर उसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिलता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के नाम थे और लग रहा था कि उन लोगों ने कोई बड़ा बड़ा कर्जा लिया हो। इस तरफ त्योंग की ग्रैंडमदर पुलिस को बताती है कि त्योंग ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। पता चलता है कि वो आदमी लोगों को इलीगल तरीके से पैसे उधार में देता था और हर दिन वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता था और पैसे ना देने पर वो लोग उन बच्चों को बुरी तरीके से मारते पीटते थे। इस तरफ सानियांग को त्योंग का डॉक्यूमेंट मिलता है। वो सब कुछ समझ चुकी थी इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाती है। तभी उसे मिरर में पेड़ की टहनियाँ दिखती हैं जो उसी पेड़ की परछाई थी और उस पेड़ में तीन बॉडीज लटक रहे थे। इतने में वो आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहने लगता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से पुलिस स्टेशन जा रही थी। वो जबरदस्ती सानियांग से भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लगता है। वो कहता है कि त्योंग हमें बिना पैसे दिए ही भाग गई लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे उसके रिलेटिव्स के बारे में पता चल गया, अब हम जाकर उनसे पैसे ले लेंगे। सानियांग प्रोफेसर को कॉल करके बताती है कि त्योंग के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर खतरे में हैं। प्रोफेसर जैसे उस जगह पर पहुंचता है तो उसे हाई हील्स की आवाज आती है। त्योंग को ढूंढने के लिए वो अंदर पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि एक लड़की उसको मार रही थी। पता चलता है कि ये हाई हील्स वाली कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का था। ये उसी शॉप वाला लड़का था जो लोगों से पैसे वसूलने के लिए लड़की बनकर लोगों को मारा पीटा करता था। कुछ ही देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उस लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में सानियांग वहाँ पर आ जाती है। वो अपने डैड की फोटो दिखाकर उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम मेरे डैड को जानती हो क्या, ये तुमसे मिलने के लिए एक बार आए थे। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। प्रोफेसर कहता है कि जब ये थोड़ी सी शांत हो जाएगी तब इससे अपने डैड के बारे में पूछना। प्रोफेसर उस आदमी से कहता है कि अगर त्योंग के पास अभी भी उस पेड़ की कोई फोटो है तो उसको बोलो कि उस फोटो को फाड़ दे। पास के सीन में हम देखते हैं त्योंग ने उस फोटो को फाड़ कर उस बड़े से एक्वेरियम में डाल दिया था ताकि उसके रिलेटिव्स के बारे में इन गुंडों को पता ना चले। प्रोफेसर को पता चलता है कि सारे विक्टिम के पास से एक फिश बोल मिला था और उस आदमी ने सानियांग को भी एक फिश बोल दिया था। प्रोफेसर समझ जाता है कि सानियांग की जान खतरे में है क्योंकि जितने लोगों को भी मछली दी गई थी वो बड़े से एक्वेरियम से दी गई थी और उसी एक्वेरियम के अंदर त्योंग ने उस फोटो को फाड़ कर डाला था जिस फोटो में उस भूतिया पेड़ की भी फोटो थी। जितने लोगों को भी वो फिश बोल मिला उन लोगों ने सुसाइड करके खुद को मार दिया। इस तरफ हम सानियांग को देखते हैं जो उसी फिश बोल को देख रही थी। डिटेक्टिव जब उस शॉप पर पहुंचता है तो वहाँ का ओनर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। उसके हाथ पर भी वही अजीब से निशान थे। जब वो सीसीटीवी चेक करता है तो हम सानियांग को वहाँ पर हंसता हुआ देखते हैं। इस तरफ प्रोफेसर जब सानियांग के पास पहुँचता है तब वो सानियांग नहीं थी बल्कि उसके अंदर का भूत था। वो स्पिरिट प्रोफेसर से कहती है कि हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है।
एपिसोड 4 के शुरुआत में प्रोफेसर जब सानियंग को ढूंढता हुआ ब्रिज के पास पहुंचता है, तब सानियंग तो उसे मिल जाती है, लेकिन इस वक्त ये सानियंग नहीं थी, बल्कि उस स्पिरिट ने सानियंग को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रखा था। प्रोफेसर को देखकर वो स्पिरिट कहता है कि उस टाइम तो तुम बहुत छोटे थे, अब तो काफी बड़े हो गए हो। वो दिन तुम्हें अभी भी याद है या फिर तुम भूल गए? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब प्रोफेसर छोटा था तब उसकी मॉम कहीं पर उसे लेकर आई थी। रास्ते में जब उसकी नींद खुली थी तब वो देखता है कि उसकी मॉम वहाँ पर कुछ कर रही थी। गाड़ी में उसे वही वाला बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर वो हेयरबैंड रखा हुआ था। वो उस चीज को देख ही रहा होता है, इतने में उसकी मॉम आकर कहती है कि इस चीज को छुओ मत। प्रोफेसर को अपनी मॉम का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ही डर लग रहा था। वहां पर पहुंचकर जब उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था तब प्रोफेसर ने उस स्पिरिट की परछाई वहां पर देखी थी। प्रेजेंट सीन में वो स्पिरिट प्रोफेसर से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम को किसने मारा, मैंने या फिर तुमने? और इतना बोलकर वो हंसने लग जाती है। प्रोफेसर अपने पॉकेट से वही हेयरबैंड निकालता है और कहता है कि ये एक तावीज था जो छोटी बच्चियों को गिफ्ट किया जाता था उनकी सेफ्टी और अच्छे हेल्थ के लिए। मैं नहीं जानता कि ये तुम्हारा था या फिर किसी और का था। जब मैं ये बात पता कर लूंगा कि ये किसका था तब मुझे तुम्हारा नाम भी पता चल जाएगा। उसके बाद अचानक से वो स्पिरिट कुछ नंबर्स बोलने लग जाती है, 21 और 176। कुछ ही देर में सानियंग को होश आ जाता है। वो पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई, क्या आप मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आए हो? प्रोफेसर उसको पूछता है कि जो नंबर्स तुम अभी बोल रही थी क्या तुमको वो नंबर्स याद है? सानियंग कहती है मुझे याद तो है और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर से उन नंबर्स को बुलवा रहा था। अगले दिन जब वो सानियंग को छोड़ने जाता है तो सानियंग कहती है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, आगे मैं क्या करूंगी मैं नहीं जानती। प्रोफेसर कहता है कि दिन के टाइम में तुम सेफ रहोगी क्योंकि जितने भी स्पिरिट्स होते हैं वो रोशनी को अवॉइड करते हैं। सानियंग के घर पहुंच जाने के बाद वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। सानियंग पैसे लेने से सीधा मना कर देती है, इसलिए वो पैसों को वहीं पर छोड़कर गाड़ी लेकर निकल जाता है। तो सानियंग पैसे लेकर उसके पीछे पीछे भागती है। प्रोफेसर कहता है कि इसको लोन समझकर तुम रख लो। सानियंग कहती है आपने मुझे 50 मिलियन दे दिए, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें से 5 मिलियन ले लिया है, बाकी का वापस ले लो और जल्दी ही मैं आपके सारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। अगले सीन में हम डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो अभी भी वो एक्वेरियम का सीसीटीवी देख रहे थे, जहाँ पर सानियंग बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही थी। हंगसे एक्चुअली में सानियंग का सीनियर था। वो याद करता है कि सानियंग बचपन से ही कितना ज्यादा मेहनत करती थी ताकि पैसे कमा सके। उसको समझ नहीं आता कि आखिर सानियंग को हो क्या गया है। इस तरफ डिटेक्टिव मुनचुन को पता चलता है कि सानियंग की दादी के डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया है और वहां से एक जली हुई नोटबुक भी मिली है। उस नोटबुक में एक बहुत ही पुराना आर्टिकल मिला है जहां पर एक बच्ची की लापता होने की न्यूज थी। अगले सीन में हम सानियंग को देखते हैं जो अपने डैड के घर जाती है। अब क्योंकि वहां पर ताला लगा हुआ था इसलिए वो दीवार कूदकर अंदर जाती है। वो यहाँ पर उन नंबर्स का पता लगवाने के लिए आई थी, 21 और 176, क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड को स्पिरिट्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज था। वो वहाँ पर बहुत सारे बुक्स में ढूंढने लग जाती है, इतने में दरवाजा खुलने का आवाज आता है। वो डरती हुई मिरर लेकर बाहर जाती है और वहाँ पे किसी का चेहरा देखकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये तो प्रोफेसर है। वो भी यहाँ पर उन नंबर्स के बारे में पता करने के लिए आया था। वो लोग वहाँ पर काफी देर तक ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी सानियंग एक टेबल के पीछे एक दरवाजा नोटिस करती है। अंदर जाने पर उसे एक कमरा मिलता है जहाँ पर उसके मॉम डैड की फोटो लगी हुई थी। वो समझ जाती है कि डिवोर्स के पहले उसके मॉम डैड यहीं पर रहते थे। कुछ ही देर में प्रोफेसर को तेओम का कॉल आता है, क्योंकि अब वो बेटर फील कर रही थी इसलिए वो बात करने के लिए रेडी थी। सानियंग अपने डैड की फोटो दिखाती है तो वो लड़की पहचान लेती है। वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर के डेथ के पहले वो उनसे मिलने के लिए आए थे। यहाँ से हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सानियंग के डैड त्योम के ग्रैंडफादर से एक लड़की के बारे में पूछते हैं जो उनके गांव से गायब हो गई थी और उसी लड़की की फोटो न्यूज़पेपर में भी छपी थी। त्योम के ग्रैंडफादर बताते हैं कि उस लड़की का नाम मोगदान था। यहाँ से हमें 1950s का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वही गाँव जानजिंडरी को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे हाइड एंड सीख खेल रहे थे। उन बच्चों में वो लड़की मोगदान भी थी जिसने वही हेयरबैंड पहन रखा था। खेलते खेलते वो काफी दूर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि बहुत दूर पेड़ के पास एक शैमन खड़ी है और वो मोगदान को बुला रही थी। गांव वालों को तो बस इतना ही पता था कि वो खेलते खेलते कहीं गायब हो गई। अब प्रोफेसर सानियंग को लेकर लाइब्रेरी जाता है ताकि वो उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में पता कर सके। जिस साल वो न्यूज छपी थी उस साल के सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को ये लोग ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव्स को देखते हैं। मुनचुन को तो यही लग रहा था कि जरूर इस न्यूज़पेपर आर्टिकल का कनेक्शन सानियंग के दादी के डेथ से है।
अब ये दोनों एक पुराने डिटेक्टिव के पास जाते हैं जिसको इस केस के बारे में शायद पता हो। यह आदमी बताता है कि ये लड़की गायब हुई थी और इसके गायब होने के 2 हफ्तों के बाद इसकी बॉडी मिली, लेकिन इसकी बॉडी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको भूखा रखा गया था और उसकी एक उंगली भी गायब थी। इस तरफ सानियंग को एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है जहाँ पर एक शैमन के बारे में लिखा हुआ था। उस शैमन ने एक पास के गांव से एक लड़की को किडनैप किया था और उस लड़की को 17 दिनों तक भूखा रखा था और उसके बाद उसे चाकू से मार दिया था और फिर उसकी एक उंगली भी काट ली थी। प्रोफेसर बताता है कि पहले के टाइम पर ऐसा होता था, किसी बच्चे को भूखा रखकर उसको मार दिया जाता था ताकि उसको भूत बनाया जा सके। सानियंग कहती है, इन चीजों के बारे में मैंने अपने डैड के बुक में पढ़ा था। तभी वो नोटिस करती है कि उन पेज का नंबर 21 और 176 है। वहाँ पर एक जगह का नाम मेंशन था। अगले सीन में हम वही गांव देखते हैं। यहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। उसकी बेटी दरवाजा खोलने को बोल रही थी लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। अगले दिन सानियंग और प्रोफेसर उसी गाँव में पहुँच जाते हैं। इस गाँव में लोग एक रिचुअल करने वाले थे जिसमें स्ट्रॉ डॉल्स का यूज किया जाता था। ये रिचुअल एक्चुअली में भूतों को भगाने के लिए किया जाता था। दूसरी तरफ हम दोनों डिटेक्टिव्स को देखते हैं। यहाँ पर वो एक लेडी से मिलने के लिए आए थे। इस लेडी के डैड ने ही वो न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा था। वो बताती है कि जिस दिन उसके डैड ने इस आर्टिकल को लिखा था उसी दिन उसके डैड ने सुसाइड कर लिया था। प्रोफेसर पूछता है कि क्या आपके डैड के हाथों पर ये निशान था। वो लेडी हाँ बोलती है। वो लेडी ये भी बताती है कि 1 साल पहले एक प्रोफेसर भी इस बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आए थे। वो यहाँ पर सानियंग के डैड के बारे में ही बात कर रही थी। इस तरफ प्रोफेसर गांव वालों से सानियंग के डैड के बारे में पूछता है। यहाँ पर एक आदमी बताता है कि उसने तो मेरे घर के सामने रहने वाली लड़की से शादी की थी। उस लड़की की माँ के साथ कुछ बुरा हुआ था। सानियंग ये सुनकर बहुत हैरान थी क्योंकि वो आदमी तो सानियंग की मॉम के बारे में बोल रहा था। इसलिए सानियंग अपनी मॉम को फोन लगाकर पूछती है कि क्या आप पैक्चागोल गांव से हो। सानियंग की मॉम उसको कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, तुम वहां पर हो क्या इस वक्त, अगर तुम वहां पर हो तो तुरंत ही वहां से निकलो। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं इतने में अचानक से अंदर से आवाज आती है। पता चलता है कि गांव वाले में से एक आदमी की कंडीशन खराब हो गई थी। जब वो अंदर जाती है तो उसे वहां के मिरर में एक भूत दिखाई देता है। उस आदमी की तो डेथ हो जाती है। सानियंग जब अपने मिरर में चेक करती है तो उसे वहां पर एक भूत दिखाई देता है। वो डर जाती है तो प्रोफेसर कहता है कि यहाँ पर 4 और भूत हैं। प्रोफेसर सारे गांव वालों को घर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि जाते वक्त कोई भी मुड़कर पीछे मत देखना। फिर वो एक विलेज के आदमी से कहता है कि उसे वो स्ट्रॉ डॉल के पास जाना है ताकि उस रिचुअल को कंप्लीट करके भूतों को यहाँ से भगा सके। जब सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो डॉल्स तो वहाँ से गायब थे। वो सारे गांव वालों को कॉल करके पूछता है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। अब ये तीनों अलग अलग होकर सारे गांव वालों को चेक करने के लिए जाते हैं। इस तरफ हम एक औरत को देखते हैं। उसके दूसरे साइड से एक वैन आ रही थी। तभी एक भूत पीछे से आकर उस औरत को धक्का दे देता है। इतने में सानियंग आकर उस लेडी को बचा लेती है। इस तरफ प्रोफेसर एक दूसरी लेडी के पास पहुंचता है। वो देखता है कि उसके सामने ही एक भूत बैठी हुई है। वो औरत भी उसको अच्छे से देख पा रही थी। वो प्रोफेसर को बताती है कि ये लड़की मेरी बेटी है जो गांव से शहर भाग गई थी और वहां जाकर उसने सुसाइड कर लिया था। प्रोफेसर समझ जाता है कि इसी लेडी ने उन स्ट्रॉ डॉल्स को वहां से गायब किया था क्योंकि अगर रिचुअल कंप्लीट हो जाता तो सारे भूत यहां से भाग जाते। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इससे दूर हो जाए। वो बताती है कि मैंने उन डॉल्स को जला दिया है। दूसरी तरफ हम सानियंग को देखते हैं। जब वो मिरर में देखती है तो वहां पर बहुत सारे भूत खड़े थे। वो भागते भागते रास्ते में गिर जाती है। तभी वो अपने सामने एक और भूत को देखती है। जब वो नजदीक जाकर देखती है तो ये तो उसके डैड थे। इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था प्रोफेसर और सानियंग एक बैक्चागोल नाम के गांव में गए थे। वहां पहुंचकर सानियंग को ये बात भी पता चली थी कि ये गांव एक्चुअली में उसकी मॉम का होम टाउन है। इस गांव में भूतों को भगाने के लिए एक रिचुअल किया जाता था। इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रॉ डॉल्स का यूज किया जाता था लेकिन यहाँ पर एक लेडी थी जिसने उन स्ट्रॉ डॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस लेडी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसकी मरी हुई बेटी भी भूत बन चुकी थी और वो लेडी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए। प्रोफेसर गांव के चीफ को बताता है कि रिचुअल परफॉर्म करने के लिए जो आप स्ट्रॉ डॉल्स यूज करने वाले थे उन स्ट्रॉ डॉल्स को मिस पार्क ने जला दिया है और उसी लेडी ने भूतों को इस गांव में बुलाया है ताकि वो दोबारा अपनी बेटी से मिल सके। प्रोफेसर समझ जाता है कि उस लेडी ने आखिर भूतों को यहां पर कैसे बुलाया। पहले के टाइम में एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता था जहाँ पर एक लकड़ी के टुकड़े को गांव के एंट्रेंस पे लगाया जाता था और उस पे डायरेक्शंस भी लिखे जाते थे। उस लेडी ने भी इसी चीज का यूज करके भूतों को बुलाया। उसने उस चीज का डायरेक्शन ही बदल दिया। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं
हैं इतने में उस कमरे का ग्लास टूट जाता है। दूसरी तरफ हम सानियंग को देखते हैं। वो मिरर में देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे भूत खड़े थे। सानियंग इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो वहीं पर गिर जाती है। तभी उसे मिरर में एक और भूत दिखाई देता है। जब वो आगे जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके डैड है। इस तरफ प्रोफेसर उन रिचुअल का एक वीडियो प्ले करता है जहाँ पर जोर जोर से प्रेयर किया जा रहा था। उस प्रेयर की आवाज पूरे गाँव में बजने लग जाती है। अब प्रोफेसर उस लकड़ी को ढूंढने लग जाता है जिसके थ्रू भूत इस गांव के अंदर आ गए थे। वो उसे नॉर्थ के डायरेक्शन में मिलता है जहां पर सूरज की रोशनी कम पड़ती थी। ये वही गेटवे था जहां पर मिस पार्क ने उस रिचुअल को परफॉर्म किया था जिसकी वजह से भूत इस गांव में कैद होकर रह गए थे। प्रोफेसर उस लकड़ी को तोड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ सानियंग अपने डैड से बात करने की कोशिश कर रही थी। वो उनसे कहती है कि क्या आप मुझे पहचान रहे हो, मैं सानियंग हूँ। सानियंग के डैड कहते हैं वो मैं नहीं था। सानियंग को कुछ समझ नहीं आता कि उसके डैड क्या बोलना चाह रहे हैं। वो दोबारा से कहते हैं कि मुझे माफ करना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरफ प्रोफेसर जब उस गेटवे को तोड़ रहा होता है तभी वहाँ पर मिस पार्क पहुँच जाती है। वो उसको रोकने लगती है। वो कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। तभी वहाँ पर वो अपनी बेटी को देखती है जो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गई थी। दूसरी तरफ सानियंग अपने डैड की बातों को समझने की कोशिश ही कर रही थी लेकिन प्रोफेसर ने उस गेटवे को पूरी तरीके से तोड़ दिया था जिसकी वजह से वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। गाँव के सारे भूत वहाँ से गायब हो चुके थे। सानियंग बहुत रोने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना था, और ऐसे बोलते बोलते वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। वो प्रोफेसर को बताती है कि उसने अपने डैड को देखा। वो कह रहे थे कि वो मैं नहीं था। मुझे उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई। थोड़ी देर में वहाँ पर सानियंग की मॉम पहुँच जाती है। प्रोफेसर को देखकर वो चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो, तुमसे मैंने कितनी बार बोला है उससे दूर रहो, आगे से उसे कॉन्टेक्ट मत करना। सानियंग अपनी मॉम से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आपने मुझसे कितनी सारी बातें सीक्रेट रखी, यहाँ तक कि आपने होम टाउन का नाम भी मुझे गलत बताया। तभी सानियंग को याद आता है कि उसने अपने डैड के घर में कैलेंडर में एक डेट मार्क देखा था। वो अपनी मॉम से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। सानियंग की मॉम बताती है कि उस दिन तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी छोटी बहन आने वाली थी और उसकी डेथ इसी गांव के अंदर हुई। फ्लैशबैक सीन में हम 2002 का सीन देखते हैं। उस टाइम पे सानियंग सिर्फ 5 साल की थी और उसकी मॉम को बेबी होने वाला था। सानियंग की मॉम इस बारे में बात कर रही होती है तभी अचानक से सानियंग के डैड कहने लगते हैं कि दूसरा बच्चा मर जाएगा, मैं दूसरे बच्चे को मार दूंगा। सानियंग की मॉम ये सुनकर बहुत डर जाती है। ये सारा कुछ होने के बाद सानियंग की मॉम अपने होम टाउन चली गई थी। वहां पहुंचकर वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं यहीं पर अपने बच्चे को जन्म दूंगी। सानियंग की मॉम कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद वो बताती है कि सानियंग के डैड ने होने वाले बच्चे के बारे में क्या बोला। उसकी मॉम उसे समझाती है और कहती है कि तुमने जरूर गलत सुना होगा, वो तो सानियंग से कितना प्यार करता है तो फिर आखिर वो अपने बच्चे के बारे में ऐसा क्यों बोलेगा। रात में जब सानियंग की मॉम सो जाती है तब वहाँ पर हम उसी स्पिरिट की परछाई देखते हैं। वो वहाँ पर आकर कहता है कि सेकंड बच्चे को मरना ही होगा। सानियंग की मॉम डर कर उठ जाती है। वो जैसे उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। उसकी मॉम बताती है कि उस रात यहाँ पर सानियंग का डैड आया था और उसने उसको कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। सानियंग की मॉम को सानियंग की टेंशन होने लग जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सानियंग को सॉल जाकर लेकर आऊंगी। उन दोनों को ये बात पता नहीं थी लेकिन सानियंग के डैड बाहर से सब कुछ सुन रहे थे। सानियंग की मॉम को अपने मॉम की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आई थी। वो जैसे ही घर के बाहर आती है तो वो अपनी मॉम को देखती है जो कुएं के पास खड़ी थी। वो बोलने लगती है कि सानियंग को वहाँ से लेकर चली जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना, और ये बोलकर वो कुएं में कूद जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उनसे ये सब कुछ करवा रहा था। उसके बाद सानियंग की मॉम उसको लेकर वहाँ से चली गई थी। अब सानियंग को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर गाँव के चीफ के साथ सानियंग के मॉम के घर जाता है जहाँ पर उसे एक रस्सी मिलती है लेकिन वो ध्यान नहीं देता इस बात पर। अगले सीन में हम दोनों डिटेक्टिव्स को देखते हैं। यहाँ पर हांगसे मुनचिन को कुछ फाइल देता है जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ की रिपोर्ट थी। वो बताता है कि इन सारे लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं सानियंग के डैड से था। इस तरफ सानियंग अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछ रही थी। उसकी मॉम बताती है कि मैं तुम्हारे डैड से पहली बार तब मिली थी जब मैं टाउन ऑफिस में काम करती थी, वो किसी सर्वे के काम से वहाँ पर आए थे। फिर उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड ने एक बार कहा था कि जानजंडरी वाले जगह में हमेशा दूसरे बच्चे की डेथ हो जाती है। इस तरफ डिटेक्टिव मुनचिन प्रोफेसर के पास कुछ केस फाइल्स लेकर पहुंचता है। वो बताता है कि ये सारे केस फाइल्स कहीं ना कहीं तुम्हारे मॉम के डेथ जैसे ही हैं। इसमें से हर एक इंसान कहीं ना कहीं सानियंग के डैड से कनेक्टेड है। उस केस फाइल के अंदर सानियंग के डैड की भी फाइल थी। उस फाइल में उसे एक नोट मिलता है जिसमें सानियंग के डैड ने लिखा था उसके मरने के बाद वो हेयर बैंड उसकी बेटी को मिल जाए। प्रोफेसर उसे वो वाला नोट
भी दिखाता है जो सानियंग के डैड ने इनको भेजा था। प्रोफेसर को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर सानियंग के डैड ने जानबूझकर उसको वो हेयरबैंड क्यों दिया। फिर प्रोफेसर को सानियंग की बोली हुई बात याद आती है। सानियंग ने बताया था कि उसके डैड के भूत ने ये कहा कि वो मैं नहीं था। प्रोफेसर समझ जाता है कि जो नोट सानियंग के डैड ने भेजा था वो उन्होंने नहीं बल्कि उस स्पिरिट ने लिखा था। थोड़ी ही देर में सानियंग भी वहाँ पर पहुँचती है। वो प्रोफेसर को बताती है कि उसके डैड ने एक बार उसकी मॉम को स्टोरी बताया था उसी एरिया जांजिनरी के बारे में। जब भी वहाँ पर कोई डिजास्टर होता था तो एक बच्चे के भूत को जगाया जाता था और फिर उसकी पूजा होती थी, और जिस बच्चे को सेक्रीफाइस किया जाता था वो हमेशा सेकेंड चाइल्ड होता था, यानी कि दूसरा बच्चा। उन दोनों को समझ में आ गया था कि मोगदान की डेथ उस शैमन की वजह से नहीं हुई थी बल्कि उसकी डेथ में पूरे गाँव का इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि वो सेकेंड चाइल्ड थी इसलिए उसे सेक्रीफाइस किया गया था। जब सानियंग वहाँ से जा रही थी तो प्रोफेसर का वो आदमी वहीं पर खड़ा था लेकिन सानियंग उसको देख नहीं पाती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो एक भूत था। अगले सीन में सानियंग को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, वो उसे किसी पार्टी में चलने के लिए बोल रही थी। उस वक्त हम देखते हैं कि सानियंग अपना फोन लेफ्ट हैंड से यूज कर रही थी, यानी कि वो सानियंग नहीं थी बल्कि वो इवल स्पिरिट था। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी होटल में बैठकर फोटोज क्लिक कर रही थी। उसके बाद वो वॉशरूम जाती है तभी वहाँ पर वो पीछे किसी को देखकर डर जाती है। इस तरफ प्रोफेसर सानियंग के डैड का रिसर्च पेपर पढ़ रहा था ताकि उसे कोई हिंट मिल सके। ये सारा कुछ पढ़कर उसे कुछ याद आता है इसलिए वो विलेज के चीफ को कॉल लगाता है। प्रोफेसर पूछता है कि जो रस्सी आपको मिली थी वो किस तरफ से मुड़ा था। वो चीफ बताता है कि वो लेफ्ट साइड से मुड़ा था। इस तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही महंगे कपड़े खरीदती है और बहुत ज्यादा मेकअप करती है। हमें इस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता। कुछ ही देर में सानियंग पार्टी पहुंचती है। यहाँ पर उसने बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे जो नॉर्मली वो पहनती नहीं थी, और वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। वो अपने दोस्त से भी काफी अजीब तरीके से बात करती है। हंगसे उसके पास आकर बैठता है तो सानियंग उसके कान के पास जाकर बोलती है कि मैंने ही उन लोगों को मारा है। जिस लड़की ने इस पार्टी को रखा था वो लड़की सानियंग की फ्रेंड की बहुत इंसल्ट करने लग जाती है, तो सानियंग उस लड़की की बहुत इंसल्ट करती है और वो साथ ही में अपने फ्रेंड की भी इंसल्ट करती है। उसकी फ्रेंड को समझ नहीं आता कि आखिर सानियंग ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तभी अचानक से सानियंग को होश आता है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। वो भागते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। होंगसे भी उसका कोट लेकर उसके पीछे जाता है। वो अपने आप को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कब हुआ। इतने महंगे कपड़े और इतना हैवी मेकअप उसने कब किया उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वहाँ से भागते हुए वो ब्रिज के पास पहुंचती है। उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी। आवाज कहता है कि तुम्हें तो यही सब चाहिए था ना। सानियंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इस तरफ प्रोफेसर सानियंग के मॉम के घर पहुंचता है। वहां पर उसे एक रस्सी मिलती है और वहां पर कोई ऑब्जेक्ट भी छुपा हुआ था। उसे याद आता है कि उसकी मॉम भी इसी ऑब्जेक्ट को छुपा रही थी। उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये ऑब्जेक्ट यहां पर कैसे पहुंचा। उसी वक्त सानियंग हंसकर बोलती है कि तुमने उसे ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें उसी होटल का सीन दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वहाँ पर एक लेडी को वॉशरूम से कुछ आवाजें आ रही थी। वो जैसे ही अंदर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो मर चुकी थी। ये वही लड़की थी जो बहुत ही महंगा सा बैग लेकर इस होटल के अंदर आई थी। दूसरी तरफ हम सानियंग का देखते हैं। तभी वहाँ पर होंगसे उसका कोट लेकर पहुँचता है। होंगसे उसको पूछता है कि जो तुमने मुझसे होटल में कहा क्या वो सच है। सानियंग उसको पूछती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तो होंगसे बताता है कि उसने कहा था कि उसी ने सारे लोगों को जान से मारा है। सानियंग बोलती है कि ये सारा कुछ मैंने नहीं किया है, और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये सारा काम किसी भूत ने किया है तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जाते वक्त वो अपने कोट में कुछ रिसिप्ट देखती है। उसको पता चलता है कि उसने बहुत सारी शॉपिंग करी, और वो भी प्रोफेसर का कार्ड यूज करके। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं। वो यहाँ पर अपने कलीग से बातें कर रहा था। वो अपने कलीग को उसी रस्सी और उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है जो उसे सानियंग की मॉम के पुराने घर से मिला था। उसका कॉलीग बताता है कि मैं इस बारे में पता करके तुम्हें बताऊंगा। अगले सीन में प्रोफेसर अपनी दादी से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर उसे किम नाम का आदमी रिसीव करने के लिए आता है, और यही आदमी था जो प्रोफेसर की कंपनी को इतने दिनों से चला रहा था। अंदर जाने के बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ने बचपन में अपनी दादी को उसी हेयरबैंड के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि उसकी मॉम ने एक रस्सी और एक ऑब्जेक्ट को रास्ते के बीचों बीच छुपाया था। उसकी दादी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और इग्नोर करने लग जाती है। उसके बाद प्रोफेसर बताता है कि इन दिनों मुझे बहुत ही अजीब चीजें दिख रही हैं। पहले तो बस मैं मिरर में देख पाता था, लेकिन अब मैं डायरेक्ट देख पाता हूँ। उसकी दादी गुस्से में कहती है कि अगर तुमने ऐसी बातें फिर से की तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगी। प्रेजेंट सीन में जब वो अपनी दादी के पास पहुँचता है तो वहाँ पर वो वही हेयरबैंड और वो ऑब्जेक्ट रखता है। वो कहता है कि ये सेम चीजें मेरी मॉम के पास भी थे।
ये सब देखकर उसकी दादी इतना गुस्से में आ जाती है कि वो उसको बाहर जाने के लिए कहती है। वहाँ से निकलकर जब वो बाहर आता है तो वो किम से पूछता है कि जब भी मैं अपनी मॉम के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो इतना गुस्सा क्यों हो जाती है। किम यहाँ पर किसी यूजिन के बारे में बात करता है जिसकी डेथ एनिवर्सरी पे प्रोफेसर को यहाँ पर आना था। यूजिन किम का बेटा था और फोटोज देखकर हमें पता चलता है कि ये वही लड़का था और वो लड़का एक भूत बन चुका था और प्रोफेसर के साथ में ही रह रहा था। अगले सीन में सानियंग जब घर पहुंचती है तो उसे वहां पर एक एग्रीमेंट मिलता है। उसकी मॉम बताती है कि मैंने एक शॉप को लीज एग्रीमेंट पर लिया है। सानियंग ये सब देखकर शॉक हो जाती है। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले, तो उसकी मॉम बताती है कि मैंने तुम्हारी दादी का छोड़ा हुआ इनहेरिटेंस को यूज कर लिया है। वो कहती है कि मैं तो उनका पैसा यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए खुद से इतने सारे पैसे छोड़े हैं, तो उनको यूज ना करके ऐसे छोड़ देने का क्या सेंस बनता है। वो बताती है कि सारी प्रॉपर्टी को मिलाकर 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। ये सब सुनकर सानियंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है क्योंकि वो पहले से ही उन पैसों को यूज नहीं करना चाहती थी। उसी वक्त उसके अंदर से उसे स्पिरिट की आवाज आती है। वो स्पिरिट कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम को मार दूं? ये सुनकर सानियंग एकदम से डर जाती है। उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं ये अपनी मॉम को ही ना मार दे, इसलिए वो अपने आप को कमरे में अच्छे तरीके से बंद कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि दरवाजा खुला है। उसको तो फिकर हो जाता है। उसको लगता है कि कहीं मैंने अपनी मॉम को मार तो नहीं दिया, इसलिए वो जाकर वहाँ पर चेक करती है, लेकिन उसकी मॉम ठीक थी। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो यूजिन से बातें कर रहा था। प्रोफेसर कहता है कि मुझे ये फील हो रहा है कि वो हेयरबैंड मोगदान का ही था और वही वो इवल स्पिरिट है। प्रोफेसर कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उस स्पिरिट ने मुझे इन सारी चीजों में क्यों इन्वॉल्व किया है। उसी वक्त वहाँ पर सानियंग आती है और वो प्रोफेसर को उनका कार्ड वापस करती है। प्रोफेसर को तो पता भी नहीं था कि उसका कार्ड सानियंग के पास है। सानियंग उसे सारे पैसे रिटर्न कर देती है जितने भी पैसे उसने प्रोफेसर के खर्च किए थे। प्रोफेसर पूछता है कि आखिर तुमने कार्ड कब ले लिया, कल कुछ हुआ था क्या? लेकिन सानियंग कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देखकर प्रोफेसर वहाँ से निकलने लग जाता है। वो कहता है कि मैं पता करना चाहता हूँ कि कल आखिर हुआ क्या था। जाते वक्त यूजिन पूछता है कि कल तो तुम मेरे डैड से मिले थे ना, वो कैसे हैं? प्रोफेसर कहता है कि अगर तुमको इतनी ही चिंता है तो तुम खुद ही जाकर मिल लो। अगले सीन में हम प्रोफेसर की दादी को देखते हैं। वो किम से कहती है कि तुम प्रोफेसर पर नजर रखो, मैं जानना चाहती हूँ कि वो इन दिनों किससे मिल रहा है। दूसरी तरफ हम होंगसे को देखते हैं। वो अपने कॉलीग के डेस्क पर से कुछ मर्डर सीन के फोटोज देखता है। फोटोज को देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही होटल है जहाँ पर ये पिछली रात गया था। रिपोर्ट्स देखकर उसको पता चलता है कि इस विक्टिम की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, लेकिन मर्डर का भी शक था क्योंकि कोई उसे वॉशरूम के अंदर तक खींच कर लेकर गया था और उस लड़की का एक लग्जरी बैग भी गायब था। हंसे जब उस बैग की फोटो देखता है तो उसको याद आता है कि वो बैग तो वहीं पर पड़ी हुई थी। इस तरफ सानियंग की मॉम को एक नोट मिलता है। सानियंग ने नोट में लिखा था कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट मत करना। दूसरी तरफ हम सानियंग को देखते हैं जो अपना सारा सामान लेकर अपने डैड के घर पर रहने के लिए गई थी। वहाँ जाकर वो पूरे घर की अच्छे से सफाई करती है। जब वो रात को सोने के लिए जाने लग जाती है तब उसके अंदर से स्पिरिट की आवाज आती है। स्पिरिट उसे कोई ड्रॉवर खोलने के लिए बोल रहा था। वो जैसे उस ड्रॉवर को खोलती है तो वहाँ पर कुछ फोटोज के नेगेटिव्स रखे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नेगेटिव्स बहुत ही पुराने थे, इसलिए वो अगले दिन फोटो स्टूडियो जाती है। वहाँ जाकर उसे बहुत सारी अजीब सी फोटोज मिलती हैं और ये सारी फोटोज हंगरी घोस्ट यानी कि भूखे भूतों से रिलेटेड था। इस तरफ हम सानियंग की फ्रेंड सेमी को देखते हैं। पता चलता है कि ये लग्जरी बैग तो इसी के पास था। दूसरी तरफ प्रोफेसर उसी होटल में पहुंचता है जहां पर पिछली रात मर्डर हुआ था। अंदर जाकर जब वो क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वो समझ जाता है कि ये काम किसी भूखे भूत का ही है। जब होंगसे वहां पर पहुंचता है तो प्रोफेसर उसे यही वाली बात बताता है। वो कहता है कि और भी डेथ्स होंगे और मरने वाले विक्टिम की आंखें लाल होंगी, लेकिन होंगसे उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे वहां से निकलवा देता है। जब वो होटल के मैनेजर से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि होटल की सीसीटीवी फुटेज भी गायब थी। अब वो इसी केस से रिलेटेड बहुत सारे केसेस पर रिसर्च करता है। पता चलता है कि ऐसे और भी केसेस थे और हर केस में विक्टिम की आंखें लाल थी और उनका कोई ना कोई एक चीज गायब था और वो चीजें बहुत ही महंगी चीज थी। वो मन में सोचता है कि आखिर प्रोफेसर को विक्टिम की लाल आंखों के बारे में कैसे पता चला। इसीलिए वो अगले दिन प्रोफेसर से मिलने के लिए जाता है। उसी वक्त वहाँ पर सानियंग भी आती है। प्रोफेसर बताता है कि अगर तुम लोगों के पास कोई पार्टी की फोटोज है तो मैं फोटोज देखकर बता सकता हूँ कि आखिर उस भूत ने किसको पोजेस किया था। जब प्रोफेसर उन फोटोज को देखता है तो वो कहता है कि इनमें से कोई
कोई भी इंसान पॉसेस नहीं है। सानियंग बताती है कि इन फोटोज में से दो लोग गायब हैं। एक तो वो लड़की जिसने पार्टी रखी थी और दूसरी लड़की सेमी। इसीलिए प्रोफेसर और सानियंग अब सेमी से मिलने के लिए जाते हैं। उन लोगों ने हर जगह ढूंढ लिया था लेकिन सेमी कहीं भी नहीं मिल रही थी। प्रोफेसर सानियंग को बताता है कि जो भूखे भूत होते हैं वो लोगों की डिजायर से बनते हैं, उनको बाकी भूतों की तरह भगाया नहीं जा सकता। सानियंग बताती है उसके अंदर के स्पिरिट ने उसे ऐसे भूत के बारे में बताया था। उसके बाद सानियंग को याद आता है उसने और सेमी ने एक ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल किया था जिससे वो एक दूसरे का लोकेशन चेक कर सकते थे। उसी ऐप की मदद से सानियंग वहां पर पहुंच जाती है जहां पर सेमी उसी लड़की के साथ बैठी थी जिस लड़की ने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। यहां पर हमें पता चलता है कि सेमी पॉसेस नहीं थी बल्कि एक दूसरी लड़की पॉसेस थी। उसी वक्त वहां पर एक लड़की आती है जिसकी चीज इसको पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस लड़की को वॉशरूम लेकर जाती है ताकि वो उसको मार सके। इतने में वहां पर सानियंग पहुंच जाती है और उस लड़की के ऊपर पानी फेंकती है। जब उस लड़की को समझ में आता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी तो वो वहां से भागने लग जाती है। भागते भागते उसका एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उसकी जान नहीं जाती। अगले सीन में सानियंग को स्टूडियो से कॉल आता है। सानियंग जब उन सारे फोटोज को देखती है तो उनमें से एक फोटो के अंदर उसी लड़के की पिक्चर थी। ये वही लड़का था जो प्रोफेसर के साथ में रहता था जिसका नाम यूजीन था। सानियंग को याद आता है जब वो प्रोफेसर के घर में गई थी तब उसने इसी लड़के की परछाई मिरर में देखी थी। इस तरफ प्रोफेसर का कॉलीग उसे एक शैमन के बारे में बताता है और इसी शैमन ने उस ऑब्जेक्ट को वहां पर छुपाया था, इसीलिए प्रोफेसर उस शैमन से मिलने के लिए जाता है। वो शैमन बताती है कि मैंने इन रस्सी को बनाया था सानियंग के डैड के लिए। उसके बाद वो कहती है कि मैंने ऐसी 5 और रस्सी बनाई थी क्योंकि सानियंग के डैड को ऐसे और 5 ऑब्जेक्ट्स ढूंढने थे ताकि वो उस इवल स्पिरिट को ढूंढ पाए। शैमन बताती है कि इन रस्सी की मदद से हम बैड एनर्जी को रोक सकते हैं। प्रोफेसर अपनी मॉम की फोटो उनको दिखाता है और पूछता है कि क्या आपने मेरी मॉम के लिए भी ऐसी कोई रस्सी बनाई थी क्या। शैमन हाँ बोलती है। दूसरी तरफ सानियंग प्रोफेसर के घर आती है लेकिन इस टाइम पे प्रोफेसर वहाँ पर था नहीं। उसे मिरर में उसी लड़के का परछाई दिखता है। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम मुझे देख पा रही हो। सानियंग उसको पूछती है कि तुम हो कौन और तुमको क्या पता है। यूजीन बोलता है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, मैंने बस एक नाम देखा था जिसने तुम्हें इवल स्पिरिट बनाया है। इस तरफ शैमन प्रोफेसर को ये बात भी बताती है कि उसकी मॉम सानियंग के डैड के कहने पर ही मेरे पास आई थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जब सानियंग उसी लड़के यूजीन की फोटो देखती है तब उसे याद आता है कि उसने इस लड़के की परछाई प्रोफेसर के घर पर देखी थी। अब इसी चीज को पता करने के लिए वो प्रोफेसर के घर पर जाती है। वहां जाकर वो यूजीन की परछाई देखती है। यूजीन बताता है मुझे उस इंसान का नाम पता है जिसने इस इवल स्पिरिट को बनाया है। सानियंग उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन। यूजीन बोलता है मैं उसका नाम बता तो दूंगा लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम प्रोफेसर से दूर रहोगी। उसके बाद वो बताता है कि सानियंग को किसी चोई मानवल नाम की लेडी को ढूंढना होगा। उसके बाद वो कहता है तुम्हें इस बात को प्रोफेसर से सीक्रेट रखना होगा और इतना बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। जब वो वहां से अंदर जाती है तो वहां जाकर वो उसी ऑब्जेक्ट को देखती है जो उसी हेयरबैंड के साथ रखा हुआ था। जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट को टच करती है तो उसे कुछ अजीब सा विजन दिखता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने कॉलीग के बताए हुए शैमन से मिलने के लिए आया था। वो शैमन उसको बताती है तुम्हारी मॉम प्रोफेसर गैंगमो यानी कि सानियंग के डैड के साथ यहाँ पर आई थी। प्रोफेसर उसको पूछता है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे। तो शैमन बताती है वो कोइंसिडेंटली मिले थे। प्रोफेसर बताता है ये मेरी मॉम थी। वो कहता है अगर आपको कुछ भी याद है तो प्लीज आप मुझे बता दो। शैमन बताती है उन लोगों ने जाने से पहले मुझसे हेल्प मांगी थी और मरे हुए बच्चे के लिए मंत्र पढ़ने को कहा था। शैमन बताती है कि वो बच्चा तुम्हारी मॉम के पेट में ही मर गया था। तभी उसे याद आता है कि जानजिनरी वाले जगह में हमेशा दूसरे बच्चे की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव मुनचिन को देखते हैं। वो यहाँ पर 1958 की कोई केस फाइल पढ़ रहा था जो उसी चोई मानवल का था। पता चलता है कि चोई मानवल ने किसी का मर्डर और किडनैप किया था। थोड़ी ही देर में उसके पास प्रोफेसर का कॉल आता है। वो बोलता है किसी बात के सिलसिले में मुझे आपसे मिलना है। दूसरी तरफ हम सानियंग को देखते हैं जो एक इंटरनेट कैफे जाकर एक डिजाइन को ढूंढ रही थी जो डिजाइन उसने यूजीन के जैकेट पर देखा था। वो यूजीन के बारे में सब कुछ पता करना चाहती थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर उस स्पिरिट ने उसे यूजीन के डायरेक्शन में क्यों भेजा। सानियंग को वो डिजाइन मिल जाता है जो किसी हाई स्कूल के ड्रेस पर बना हुआ था। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। जब यूजीन के मॉम की डेथ हो गई थी तब वो और उसके डैड प्रोफेसर की दादी से मिलने के लिए आए थे जो वहीं पर रहने वाले थे। घर के अंदर घुसने से पहले प्रोफेसर की दादी ने उन दोनों के ऊपर कुछ छींटा था।
अगले सीन में हम देखते हैं जब प्रोफेसर घर पर आता है तो यूजिन के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। यूजिन हर कमरे में जा जाकर सब कुछ चेक कर रहा था। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर की दादी वहाँ पर आ जाती है, इसीलिए वो दोनों खिड़की से भाग जाते हैं। तब प्रोफेसर नोटिस करता है कि यूजिन की आंखें लाल हैं। रात होने पर यूजिन दोबारा से प्रोफेसर की दादी के रूम में गया था उनके कैमरे को चुराने के लिए। उसी टाइम पे उसने ड्रॉवर में एक शमन का फोटो देखा था जिसका नाम था चोई मानवल। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर यूजिन के डैड यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किम होंगसे से मिलने के लिए आए थे। वो उसे डिटेक्टिव मुनचिन पर नजर रखने के लिए बोलता है और कहता है अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। होंगसे उसको पूछता है कि आपको डिटेक्टिव मुनचिन से क्या लेना देना है, तो वाइस प्रेसिडेंट किम कहता है मुझे डिटेक्टिव मुनचिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे प्रोफेसर योम में इंटरेस्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो दोनों आखिर क्यों मिलते हैं और क्या बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर योम को देखते हैं जो मुनचिन से मिलने के लिए आया था। वो मुनचिन को बताता है उसका एक सिबलिंग था जो जन्म से पहले ही मर गया। अब क्योंकि वो एक सेकेंड चाइल्ड था इसीलिए इवल स्पिरिट ने उसको मार दिया था। उसके बाद वो शेमन से हुई सारी बातें बताता है। उसके बाद वो बताता है उसको प्रोफेसर गैंगमो के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करना है और इसी वजह से वो उससे रिलेटेड सारे सुसाइड केसेस को देखना चाहता है। मुनचिन कहता है मैंने उन सारे सुसाइड केसेस को देखा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद मुनचिन उसे वही न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है। वो कहता है ये मुझे प्रोफेसर गैंगमो के नोटबुक से मिला और जिस रिपोर्टर ने इस आर्टिकल को लिखा था उसने भी सुसाइड कर लिया था। उसके बाद वो मोगदैन की मर्डर सस्पेक्ट का फाइल दिखाता है जो और कोई नहीं बल्कि चोई मानवोल थी। फ्लैशबैक के सीन में जब डिटेक्टिव चोई मानवोल को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर गए थे तब वहां से उन्हें मोगदैन के कपड़े मिले थे और अरेस्ट होने के बाद उस शैमन ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था और उसके हाथ पर भी वही निशान थे। प्रोफेसर योम फाइल में देखता है वहां पर 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम थे जो उसी शैमन के घर में से मिले थे। अगले सीन में हम होंगसे को देखते हैं जिसने सानियंग को मिलने के लिए बुलाया था। वो सानियंग से पूछता है कि आखिर प्रोफेसर किस टाइप का आदमी है, तो सानियंग कहती है आप डिटेक्टिव मुनचिन से पूछ लो क्योंकि प्रोफेसर और मुनचिन काफी क्लोज हैं। सानियंग उससे कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम मेरे लिए एक लड़के का पता लगाओ। वो कहती है मुझे लड़के का नाम तो नहीं पता, बस इतना पता है कि 1999 में वो जांगजिल हाई स्कूल में पढ़ता था और उसने किसी रीजन से सुसाइड कर लिया था। इस तरफ प्रोफेसर एक शैमन से आकर मिलता है जो चोई मानवल का डिसेंडेंट था। वो उसे वही ऑब्जेक्ट और हेयरबैंड दिखाता है। वो पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है क्या। वो शैमन कहता है इस हेयरबैंड को तब यूज किया जाता है जब किसी बच्चे को भूत बनाना हो। यहाँ से हम 1958 का सीन देखते हैं जहाँ पर शैमन के कहने से सारे सेकेंड बॉर्न बच्चों को लाया जा रहा था। उसके बाद वो शैमन सारे बच्चों में से मोगदान को चूज करती है और उसे वही हेयरबैंड देती है। प्रेजेंट में वो प्रोफेसर को एक नोटबुक देता है जिसे पता चलता है कि मोगदान को मारने के लिए चोई मानवल को बहुत पैसे मिले थे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे पैसे चोई मानवल को किसने दिए। तभी वो वहाँ पर एक कंपनी का नाम नोटिस करता है, जंग ह्यून कॉर्पोरेशन। ये कंपनी एक्चुअली में प्रोफेसर की दादी की कंपनी थी। दूसरी तरफ होंगसे सानियंग से कहता है कि मैंने पता किया लेकिन मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वो बताता है उस टाइम पर उस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई थी जिनकी आंखें लाल थी। सानियंग समझ जाती है ये भूखे भूतों का काम है। उसके बाद वो होंगसे को बताती है कि प्रोफेसर योम भूतों को देख सकता है और हम दोनों मिलकर एक इवल स्पिरिट को ढूंढ रहे हैं। होंगसे को सानियंग की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसके बाद वो दोनों उसी स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर मिलते हैं। सानियंग उनसे पूछती है कि जितने बच्चों की डेथ हुई थी उनमें कोई सिमिलैरिटीज थी क्या, तो प्रिंसिपल नहीं बोलता है। फिर सानियंग पूछती है जिन बच्चों की डेथ हुई थी उनकी चीजें गायब हुई थी क्या, तो प्रिंसिपल हाँ बोलता है। फिर सानियंग यूजिन के बारे में पूछती है तो प्रिंसिपल बताता है जितनी भी चीजें गायब हुई थी वो सारी की सारी यूजिन के लॉकर से मिली थी। यूजिन के रिकॉर्ड में जिसका नंबर था वो उस नंबर पर कॉल करती है तो पता चलता है कि उस रिकॉर्ड में तो प्रोफेसर योम की दादी का नंबर था। सानियंग उनको कॉल करके चोई मानवल के बारे में पूछती है तो योम की दादी जोर से चिल्लाती है। होंगसे उसको बताता है कि तुमने जहाँ पर कॉल किया था वो प्रोफेसर योम का घर था और तुमने उसके दादी से बात की। इस तरफ डिटेक्टिव मुनचिन प्रोफेसर योम को बताता है कि जिन डिटेक्टिव ने चोई मानवल के केस को इन्वेस्टिगेट किया था उन लोगों को केस से निकाल दिया गया था और यहाँ तक कि उनको पैसे भी दिए गए थे ताकि उस केस को जल्दी से क्लोज कर दिया जाए। दूसरी तरफ होंगसे सानियंग को प्रोफेसर की कंपनी के बारे में बताता है
वो कहता है जंगयून कॉर्पोरेशन एक टाइम पे बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन सडनली उनके कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया और तब प्रोफेसर योम के ग्रैंडफादर ने कंपनी को बचाया था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उस कंपनी के जितने भी राइवल कंपनीज थे वो लोग किसी न किसी तरीके से मर गए। तभी सानियंग नोटिस करती है कि प्रोफेसर के ग्रैंडफादर को 1958 में ही प्रेसिडेंट बनाया गया था और वहाँ पर वो किसी नाम को नोटिस करती है। तभी उसे याद आता है कि उसने इस नाम को अपने विजन में देखा था। इस तरफ प्रोफेसर योम अपनी दादी के पास पहुँच जाता है और उन्हें वही हेयरबैंड दिखाकर पूछता है कि आपको तो पता ही होगा कि ये क्या है। उसके बाद वो मोगदान की फोटो भी दिखाता है। यहाँ पर सानियंग को कुछ होने लग जाता है। वो अपने सामने मोगदान को दौड़ता हुआ देखती है। वो मोगदान का पीछा करते हुए जाती है, तभी अचानक से वो जान जिनरी को देखती है। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसे सब कुछ दिख रहा था। वो देखती है कि चोई मानवल मोगदान को अपने साथ कहीं पर लेकर जा रही थी। इस तरफ प्रोफेसर की दादी कुछ बोलने को तैयारी नहीं थी, तो प्रोफेसर कहता है कि आपको मैं बताता हूँ, इस लड़की का नाम मोगदान था और बचपन में इसको भूत बनाने के लिए इसे मार दिया गया था और ये सारा कुछ किसी के कहने पर हुआ था। सानियंग देखती है कि वो शैमन मोगदान को किसी बड़े से गेट के अंदर लेकर गई थी। प्रोफेसर अपनी दादी से कहता है कि सिर्फ शैमन को ही पैसे नहीं मिले थे बल्कि उन डिटेक्टिव्स को भी मिले थे जो उस केस में इन्वॉल्व थे, और यहाँ तक कि गांव के सारे लोगों को पैसे और खाने पीने की चीजें मिली थी, और ये सारा काम मेरे ग्रैंडफादर ने करवाया था जो जंगयून कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं शैमन ने प्रोफेसर के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को बताया था कि वो लड़की एक इवल स्पिरिट बन चुकी है और वो आपके सारे डिजायर्स को पूरे करेगी, लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा। लेकिन उन लोगों ने कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि उनको बस अपने फायदे की पड़ी थी। इस तरफ सानियंग भी गेट के पास पहुंच गई थी। उसको और प्रोफेसर दोनों को पता चल गया था कि मोगदान को प्रोफेसर के ग्रैंड पेरेंट्स ने ही मरवाया था। फ्लैशबैक में जब प्रोफेसर के ग्रैंडफादर ने उस हेयरबैंड को टच किया था तो वो इवल स्पिरिट उनके अंदर आ गई थी। प्रोफेसर की दादी पर अब भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो प्रोफेसर से कहती है कि तुम्हारे डैड के बाद वो इवल स्पिरिट ने तुम्हें पोजेस करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ मॉम की वजह से सब गड़बड़ हो गया। तुमको बचाने के चक्कर में वो खुद पोजेस हो गई। जब प्रोफेसर वहाँ से निकलकर बाहर आता है तो वहाँ पर वो सानियंग को देखता है। सानियंग उसे रोते हुए बोलती है कि तुम्हारी फैमिली ने पैसों के लालच में एक लड़की की जान ले ली। किसी की जान लेकर तुम लोग अमीरी वाली लाइफ जी रहे हो। उसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर प्रोफेसर की गाड़ी को तोड़ने लग जाती है। इस तरफ से हंग से सब कुछ देख रहा था। वहाँ से निकलकर प्रोफेसर ब्रिज के पास आता है जहाँ पर उसे यूजिन मिलता है जिसको पहले से ये सब कुछ पता था। फ्लैशबैक सीन में जब यूजिन प्रोफेसर की दादी के ऑफिस में गया था तब अचानक से उसकी दादी आ गई थी, इसीलिए वो वहीं पर छुप गया था। और उस वक्त सानियंग के डैड प्रोफेसर की दादी से मिलने के लिए आए थे। प्रोफेसर गैंगमो को पता चल गया था कि पैसों के लिए इन लोगों ने एक लड़की को मार कर उसको भूत बना दिया और उनको सारी बातें प्रोफेसर योम की मॉम ने बताया था। सानियंग के डैड प्रोफेसर की दादी से उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेने के लिए आए थे जिन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके उस इवल स्पिरिट को ऑक्यूपाई किया जाता था, लेकिन प्रोफेसर योम की दादी मना कर देती है। वो धमकी देकर कहती है अगर दोबारा से आपने ऐसी बात की तो मैं आपकी जान ले लूंगी। उस टाइम पे यूजिन सारा कुछ सुन रहा था। प्रेजेंट में प्रोफेसर उसको कहता है कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। यूजिन कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। प्रोफेसर को फिर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इतने सालों से वो अमीरी वाली लाइफ जी रहा था जो लाइफ उसको एक बच्ची को मार कर मिली थी, इसीलिए वो अपनी सारी चीजें फेंकने लग जाता है। उस वक्त यूजिन नोटिस करता है कि बहुत सारे स्पिरिट प्रोफेसर योम की तरफ आ रहे थे। प्रोफेसर योम को बचाने के लिए वो स्पिरिट्स के आगे आ जाता है और वो स्पिरिट्स उसको लेकर कहीं गायब हो गए थे। दूसरी तरफ हम सानियंग को देखते हैं जो उसी स्पिरिट से बात कर रही थी। वो कहती है मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। वो कहती है मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूंगी जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए। वो जैसे अंदर आती है तो वहाँ के सारे दरवाजे अचानक से बजने लग जाते हैं और तभी वो स्पिरिट की आवाज आती है। वो स्पिरिट कहती है तुम्हें भी मेरी जरूरत होगी बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। फिर अचानक से सानियंग को सब कुछ धुंधला सा दिखने लग जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि प्रोफेसर और सानियंग दोनों को पता चल गया था कि मोगदान को मरवाने के पीछे प्रोफेसर के ग्रैंड पेरेंट्स का ही हाथ है। एपिसोड 8 के शुरुआत में हंगसे मुनचिन को बताता है कि जंगयून कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे आप पर नजर रखने को कहा था। एक्चुअली में ये कंपनी प्रोफेसर की फैमिली ओन करती है। हंगसे फिर बताता है मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च किया, मुझे पता चला कि जितने लोगों को इस कंपनी से प्रॉब्लम थी उन सारे ही लोगों ने सुसाइड कर लिया और सारे लोगों के हाथ में वैसे ही चोट के निशान थे। उसके बाद वो दोनों मिलकर सारे केस पर अच्छे से ब्रीफिंग करते हैं। उनको पता चलता है कि ये सारा कुछ 1958 से शुरू हुआ
जब चोई मानवल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसके हाथों पर भी वही चोट के निशान थे। उसके बाद होंग से बताता है जब प्रोफेसर के ग्रैंडफादर ने कंपनी को टेक ओवर किया था तब उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और कंपनी क्राइसिस से गुजर रही थी और पुलिस वालों ने इलीगल एक्टिविटीज को लेकर उनसे क्वेश्चन भी किया था और उस केस को जो प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी अपने घर पर मरा हुआ मिला था और एविडेंस नहीं होने की वजह से उस केस को बंद कर दिया गया था। फिर वो सारे लोग मरे हुए मिले जितने लोगों से जंगयून कैपिटल को नुकसान हो सकता था। फिर कुछ सालों के बाद प्रोफेसर गैंगमो के जितने भी आसपास के लोग थे वो सारे लोग मरने लग गए थे। अगर सारे केसेस को सेग्रीगेट किया जाए तो सबसे पहले के केसेस मोगदान से रिलेटेड थे और उसके बाद के केसेस जंगयून कैपिटल से, फिर प्रोफेसर गैंगमो से और लास्ट में जितने भी केसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे सानयंग से रिलेटेड हैं। उसके बाद होंग से बताता है कि मैंने सानयंग को और प्रोफेसर को लड़ते हुए सुना था। सानयंग की बातों से पता चला था कि प्रोफेसर की फैमिली ने एक बच्चे की जान ली थी ताकि उसको इवल स्पिरिट बनाकर खुद का फायदा कर सके। दूसरी तरफ हम सानयंग को देखते हैं, उसे अपने डैड के घर से कुछ दवाइयाँ मिलती है। जब वो उन दवाइयों पर रिसर्च करती है तो पता चलता है कि ये सारी दवाइयाँ आंखों से रिलेटेड हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर अपने डैड के डॉक्टर से मिलती है। पता चलता है कि सानयंग के डैड इसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उनके ऑप्टिक नर्व में एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके जा रही थी। जब सानयंग अपना टेस्ट कराती है तो उसको पता चलता है कि उसको भी ये सेम बीमारी है। डॉक्टर बताता है कि इस बीमारी का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, 4 से 5 सालों में आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली जाती है। डॉक्टर बताता है कभी कभी ये गलत भी हो सकता है क्योंकि पिछले साल मैं तुम्हारे डैड से मिला था और ये तकरीबन 10 सालों के बाद था, उसके बाद भी वो बिल्कुल ठीक थे। एक्चुअली में जब वो डॉक्टर उनसे मिला था तब उस इवल स्पिरिट ने सानयंग के डैड को पॉजेस किया हुआ था। अब सानयंग समझ चुकी थी कि उसके डैड ने जानबूझकर उस इवल स्पिरिट को अपने अंदर आने दिया था ताकि उनकी आंखों की रोशनी न चली जाए। वहाँ से निकलकर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। उसकी मॉम ने इस एरिया में एक जगह को लीज पर लिया था। वो लोग वहाँ पर कॉफी शॉप खोलने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो जाकर सेमी से मिलती है जो अभी भी सानयंग पर गुस्सा थी। सानयंग उसको कहती है मैं तुमको बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद वो अपने डैड के घर पर उसे ले जाती है। अब क्योंकि सेमी ने अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लिया था इसी वजह से सानयंग ने उसके लिए सरप्राइज रखा था। उसके बाद सानयंग उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे किसी इवल स्पिरिट ने पॉजेस कर लिया है और उस दिन जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा वो मैं नहीं थी बल्कि वो इवल स्पिरिट था। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर योम को देखते हैं जो सानयंग के डैड के भूत को बुलाने के लिए उसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था। वो पता करना चाहता था कि आखिर उस इवल स्पिरिट को कैसे भगाया जाता है। इस तरफ हम होंगसे को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने के लिए आया था और इस आदमी के फादर की डेथ भी उसी तरीके से हुई थी। इस आदमी के डैड एक्चुअली में जंगयूंग कॉर्पोरेशन के सीईओ का राइवल था और इसने अपनी आंखों के सामने अपने डैड को मरते हुए देखा था। वो बताता है उसके डैड ने सुसाइड नहीं किया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो छोटा था तब उसके डैड ने जंगयूंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किया था। तभी अचानक से एक दिन दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर जंगयूंग कंपनी का सीईओ खड़ा था और उसके बाद उसके डैड ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। वो देखकर समझ गया था कि उसके डैड ने ये सब कुछ खुद से नहीं किया। अगले सीन में हम सानयंग को देखते हैं। वो यूजिन के फोटो वाले पेंटिंग के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी तभी उसे बैकचागोल गांव के चीफ का कॉल आता है। वो बताता है कि मुझे प्रोफेसर योम यहीं पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। इस तरफ हम प्रोफेसर योम को देखते हैं जो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के कंट्रोल में है और अपने सामने किसी ब्लैक शेडो को देख रहा था जो और किसी को नहीं दिख रहा था। जब सानयंग वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि प्रोफेसर एक तरफ देख रहा है। उसे भी वो ब्लैक शेडो दिख जाता है जो स्प्रेड हो रहा था। मिस पार्क सानयंग को बताती है कि वो ब्लैक शेडो एक्चुअली में अंधेरे का भूत है। लगातार देखने की वजह से इंसान उसके अंदर समा जाता है। सानयंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो प्रोफेसर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो शेडो कंटिन्यूसली उनको फॉलो कर रहा था। एक्चुअली में प्रोफेसर किसी दूसरी दुनिया में अटक गया था जिसको हर जगह पर मोगदान दिख रही थी। सानयंग प्रोफेसर को लेकर ईस्ट की तरफ जा रही थी क्योंकि ईस्ट की तरफ सनराइज होता है और जहाँ पर रोशनी ज्यादा होती है वहाँ पर भूत प्रेत कम हो जाते हैं। सानयंग बहुत ही तेजी से जा रही थी लेकिन रास्ते में उनकी कार अटक जाती है और वो शेडो भी बहुत ही तेजी से उनके पीछे आ रहा था। अब जैसे तैसे करके वो प्रोफेसर को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। अचानक से प्रोफेसर का हाथ छूटने लग जाता है लेकिन तभी वो अपने दूसरे हाथ से सानयंग को पकड़ लेता है। वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर सूरज उगता था और कुछ ही देर में प्रोफेसर को होश भी आ गया था। सानयंग उसे यूजिन की फोटो दिखाती है और कहती है मुझे वो स्पिरिट बार बार इसी डायरेक्शन में जाने को बोल रही है।
दूसरी तरफ हम मुनचिन को देखते हैं, जो अपने किसी दोस्त के पास आया हुआ था ताकि वो जानजेंडरी गांव के हेड के बारे में पता लगा सके। तभी मुनचिन नोटिस करता है कि उस आदमी के फाइल में एज अ गार्डियन गैंगमो का नाम लिखा हुआ था, यानी कि सानियंग के डैड। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो आदमी मर गया था तब उसकी सारी चीजें प्रोफेसर गैंगमो ने ही ले ली थी। अगले सीन में हम होंगसे को देखते हैं जो एक बहुत ही पुराने डिटेक्टिव के पास आया था। इस डिटेक्टिव ने उसी प्रोसिक्यूटर के केस को हैंडल किया था जिसने जंगयुन कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। डिटेक्टिव बताता है कि वो केस मुझे अच्छे से याद है। प्रोसिक्यूटर के घर में उन्हें जंगयुन कंपनी के सीईओ के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, लेकिन जंगयुन कंपनी का सीईओ उस टाइम पे शहर के बाहर था और वो कभी भी उस प्रोसिक्यूटर के घर पर गया ही नहीं था। और लास्ट में हमें वो केस बंद करना पड़ा क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं मिला था। दूसरी तरफ मुनचिन एक आदमी से मिलता है। मुनचिन ने उसे मोगदान का केस फाइल दिया था ताकि उसको रिस्टोर किया जा सके। अगले सीन में प्रोफेसर सानियंग को बताता है कि यूजिन उसका एक लौता दोस्त था, लेकिन मैं उसे टाइम पर बता नहीं पाया कि वो पॉजेस है और इसी वजह से उसकी जान चली गई। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर योम यूजिन को लेकर इसी टेंपल में आया था और तभी योम ने उसकी एक फोटो क्लिक की थी। उस वक्त प्रोफेसर योम ने यूजिन को समझाया था कि तुम पॉजेस हो चुके हो और इसी वजह से तुमने दो लोगों की जान भी ली है, लेकिन यूजिन ने उसकी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं और कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई। प्रोफेसर कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस कैमरे को अपने डैड के ऑफिस में रख दिया था। फिर आखिर वो तुम्हारे डैड के घर पर कैसे पहुंच गया? टेंपल में लगे हुए बैनर को देखकर प्रोफेसर को याद आता है कि मुनचुन ने उसको बताया था कि गैंगमो के कॉलिक की डेथ इसी गांव के आसपास हुई थी। उसके बाद वो बताता है कि उस इवल स्पिरिट ने जिस भी लोकेशन में किसी की जान ली है उस लोकेशन पर उस इवल स्पिरिट की एनर्जी को सप्रेस करना होता था और इस चीज को करने के लिए उसी ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता था। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उस इवल स्पिरिट से रिलेटेड वो ऑब्जेक्ट इस गांव में भी मिले, इसीलिए वो लोग यहाँ के किसी मॉन्क से पूछते हैं। मॉन्क बताता है कि गैंगमो पिछले साल यहाँ पर आया था एक पेड़ लगाने के लिए, इसीलिए वो दोनों जाकर उसी पेड़ के पास खुदाई करते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ रस्सी जैसा मिलता है। सानियंग जैसे ही उसको टच करती है तो उसे बहुत ही अजीब से विजन्स दिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से एक था। उसके बाद वो बताता है कि तुम्हारे डैड और मेरी मॉम उस इवल स्पिरिट को भगाने के लिए उसी 5 ऑब्जेक्ट्स को सील करना चाहते थे, लेकिन वो लोग ये सब करते उसके पहले उस इवल स्पिरिट ने उनको मार दिया। थोड़ी देर में प्रोफेसर के पास मुनचिन का कॉल आता है। मुनचिन उसको बताता है कि मैंने मोगदान के केस फाइल को रिस्टोर कर लिया है। तभी अचानक से सानियंग को कुछ हो जाता है और वो उसी इवल स्पिरिट को कहीं पर जाता हुआ देखती है। वो समझ जाती है कि वो इवल स्पिरिट किसी को मारने के लिए जा रही है सॉल के पुलिस स्टेशन में। तभी हम देखते हैं मुनचिन उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचा था। तभी उसे प्रोफेसर का कॉल आता है। वो उसको बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। वो जैसे ही फोन रखता है तो दरवाजे पर नॉक होता है। वो डरते हुए आगे तो जा रहा था लेकिन तभी होंगसे अंदर आता है। मुनचिन उसे दरवाजा बंद करने को बोलता है। थोड़ी ही देर में दोबारा दरवाजे पर नॉक होता है। होंगसे खोलने ही वाला था लेकिन मुनचिन उसे रोक देता है। तभी बाहर से प्रोफेसर योम की आवाज आती है, इसीलिए मुनचिन होंगसे से दरवाजा खोलने को बोलता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर सानियंग थी, यानी कि वो इवल स्पिरिट। वो हंसते हुए बोलती है तुमने दरवाजा खोल दिया। और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था डिटेक्टिव मुनचिन को मारने के लिए वो इवल स्पिरिट पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। प्रोफेसर योम ने उसको पहले ही वार्निंग दे दी थी कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन दरवाजे के बाहर से प्रोफेसर योम की ही आवाज आती है, इसीलिए वो होंगसे से दरवाजा खोलने को बोल देता है। होंगसे जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर वो इवल स्पिरिट खड़ी थी। वो हंसकर बोलती है तुमने दरवाजा खोल दिया। होंगसे को तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो जैसे ही मुनचिन की तरफ देखता है तो वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके हाथों पर भी वही निशान थे। वो पेपर्स को लेकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। वो होंगसे की तरफ देखकर बोलता है कि प्रोफेसर योम सच बोल रहा था। इसके पहले कि होंगसे को कुछ समझ आता मुनचिन खिड़की से कूद जाता है। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर योम और सानियंग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो मुनचिन को वहीं पर गिरा हुआ देखते हैं। होंगसे जैसे ही भागता हुआ नीचे पहुंचता है तो देखता है कि मुनचिन की डेथ हो चुकी है। तभी वो वहां पर सानियंग को देखता है। वो जाकर उस पे बहुत चिल्लाता है। वो रोते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, थोड़ी देर पहले तो तुम ऊपर थी, तुम यहां पर कैसे पहुंच गई। सानियंग रोने लग जाती है लेकिन तभी अचानक से वो बोलती है कि अगर ये मर भी गया तो क्या हो गया, सारे ही लोग एक ना एक दिन मर जाते हैं। प्रोफेसर समझ गया था कि ये सानियंग नहीं है बल्कि वो इवल स्पिरिट है, इसीलिए वो उसको पकड़कर दूसरी तरफ लेकर
लेकर जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे ही मार देना चाहिए था। तो स्पिरिट हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा अभी तक टाइम नहीं आया है। वहां से निकलकर जब वो थोड़ा सा आगे पहुंचती है तो उसे रास्ते में एक पब दिखता है जहां पर सारे लोग डांस कर रहे थे। वो भी अंदर जाकर डांस करने लग जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो अपनी मॉम के बाजू में सोई है। उसको समझ नहीं आता कि वो यहां पर कैसे पहुंच गई। सानियंग की मॉम बोलती है, तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें मेरे बाजू में सोना है। ये सब सुनकर सानियंग कंफ्यूज हो गई थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वहां पर वो बेड पर कुछ पिक्चर्स देखती है। ये सब देखकर सानियंग को बहुत गुस्सा आता है। वो इवल स्पिरिट से कहती है कि तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो, किसी की जान लेने के बाद तुम पार्टी कर रही थी जाकर। तभी उसके अंदर से इवल स्पिरिट की आवाज आती है, वो बोलती है तुम्हें मेरी जरूरत है। अगले सीन में हम सारे डिटेक्टिव्स को देखते हैं। वो सारे ही लोग मुंचन के बारे में बात कर रहे थे। एक डिटेक्टिव बताता है कि हमने सारे सीसीटीवी चेक कर लिए, तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो वो लड़की यहाँ पर आई ही नहीं थी। सारे ऑफिसर्स को यही लग रहा था कि मुंचन ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी और वो काफी डिप्रेस रहता था। जब होंगसे वहाँ से निकलकर बाहर आता है तो वहाँ पर वो सानियंग को देखता है। वो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लग जाता है तो सानियंग उसको रोक कर कहती है कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। होंगसे कहता है अगर तुमने इसको कन्फेस भी कर लिया तो कोई इस बात को मानेगा ही नहीं कि तुमने एक डिटेक्टिव को पकड़ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम वहाँ पर आई थी। फिर वो कहता है कुछ दिन मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले सीन में हम डिटेक्टिव मुंचन का फ्यूनरल देखते हैं। सारे लोगों के जाने के बाद भी योम वहीं पर बैठा था। होंगसे कहता है मैंने सुना है कि तुम भूतों को देख सकते हो, अगर तुम मुंचन को देख सकते हो तो उनको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जान मेरी वजह से गई है। वहां से निकलकर होंगसे मुंचन के घर जाता है। उसके कबर्ड में रखे हुए सॉक्स को देखकर वो याद करता है कि जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी तो वो बहुत अकेला हो गया था, तब मुंचन ने उसको हर वक्त संभाला था। उस वक्त योम ने सॉक्स नहीं पहना हुआ था इसलिए मुंचन ने अपने स्कार्फ से उसके पैर को ढका था और उसके बाद से हर बर्थडे पर वो उसको सॉक्स गिफ्ट करता था। योम अपना सारा सामान लेकर यहीं पर आ जाता है और वहीं पर रिसर्च करने लग जाता है। कुछ ही देर में होंगसे भी वहां पर आता है। होंगसे उसको पूछता है कि मरने के पहले मुंचन ने कहा था कि प्रोफेसर योम सही बोल रहा था, इसका क्या मतलब है। योम बताता है हम जिस कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। योम कहता है उस भूत को पकड़ने के लिए 5 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है और हमें उस भूत का नाम जानना होगा। होंगसे पूछता है वो भूत सानियंग है क्या, तो प्रोफेसर योम कहता है वो सानियंग नहीं है बल्कि जिस भूत ने सानियंग को पॉजेस किया है उसी ने सबकी जान ली है। योम पूछता है मुंचन के कूदने से पहले तुमने कुछ नोटिस किया था क्या, तो होंगसे बताता है कूदने के पहले उसने एक फाइल को जोर से पकड़ रखा था। तभी प्रोफेसर योम को याद आता है कि मुंचन ने उनको बताया था कि उन्हें मोगदान के फाइल में कुछ मिला है। उसके बाद होंगसे एक और आदमी से जाकर मिलता है जिससे मुंचन भी मिलने आया था। ये उसे वही डॉक्यूमेंट्स देता है जो उसने मुंचन को दिया था। दूसरी तरफ हम सानियंग को देखते हैं। जब वो उठती है तो वो देखती है उसके हाथों में कुछ काला निशान लगा हुआ है और वो निशान फ्लोर पर भी था, इसीलिए वो उसको फॉलो करते करते आगे जाती है। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर भी वहां पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि सानियंग चुपचाप बैठी हुई थी और उसके सामने कोई काला सा ड्रॉइंग बना था। वो बताती है कि ये इवल स्पिरिट ने किया है। सानियंग कहती है उस इवल स्पिरिट ने हमको यूज किया उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए, अब मुझे डर है कि हमें बाकी के ऑब्जेक्ट ढूंढने भी चाहिए या नहीं। प्रोफेसर उसको पूछता है जब वो इवल स्पिरिट मुंचन को मार रही थी तब तुमने कुछ देखा था क्या। सानियंग को याद आता है उस फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ था। वो प्रोफेसर को बताती इसके पहले इवल स्पिरिट अंदर से बोलती है, आवाज कह रही थी कि अगर तुमने इसको कुछ भी बताया तो इसकी भी जान चली जाएगी, इसलिए सानियंग बोल देती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। सानियंग ने जो विजन में देखा था उस डॉक्यूमेंट में यही लिखा था कि जानजनरी के एक आदमी के मरने के बाद उसकी चीजों को सानियंग के डैड ने कलेक्ट की थी और ये वही डॉक्यूमेंट था जो होंगसे को उसी आदमी से मिला था जिसके पास वो गया था। इस तरफ सानियंग को अपने डैड की चीजों में जानजनरी का एक रजिस्टर मिलता है। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि जंगयुन कॉर्पोरेशन ने बहुत सारा पैसा पे किया था जिस दिन मोगदान गायब हुई थी और गाँव के लोगों को जितनी भी चीजें मिली थी वो सारा कुछ मेंशन किया गया था। उसके बाद वो सारे गेस्ट के नाम देखती है जो भी उसके डैड के फ्यूनरल में आए थे। वो ये सोचती है कि जितने भी लोग उनके फ्यूनरल में आए थे शायद वो उसके डैड को अच्छे से जानते हो। थोड़ी ही देर में होंगसे वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि सानियंग कहीं पर जा रही है। दूसरी तरफ योम किसी लड़की से मिलने के लिए आया था और ये लड़की किसी सियोरिन को जानती थी। सियोरिन एक लाइब्रेरियन थी और उसकी मौत भी वैसे ही हुई थी और मरने से पहले वो प्रोफेसर गैंगमो से मिली थी। ये लड़की बताती है कि उसने उन बुक्स का नाम एक डिटेक्टिव को दिया था। उसके बाद वो बताती है मरने के पहले वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सियोरिन एक बुक को फाड़ रही थी और उसके हाथ में भी वही निशान थे। प्रोफेसर उस बुक का नाम पूछता है तो वो लड़की बुक का नाम उसको बता देती है। उसके बाद वो सारे केस फाइल्स को दोबारा से देखता है जिसमें उसे उसी ऑथर का नाम दिखता है। उसमें लिखा था उसने जानजनरी के स्कूल से कूदकर सुसाइड किया था। इस तरफ होंगसे सानियंग को फॉलो करते करते एक मोटेल तक पहुंच गया था।
था। सानयंग जैसे उस मोटेल के अंदर जाती है तो उसे वही प्रोटेक्शन वाली रस्सी मिलती है। वो आदमी बताता है इस रस्सी को प्रोफेसर गैंगमो ने बनवाया था। सानयंग उससे पूछती है कि क्या मेरे डैड ने कोई पेड़ लगाया था क्या, तो वो आदमी हाँ बोलता है। इस तरफ से होंगसे जब इस होटल का नाम सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि ये वही होटल था जहाँ पर प्रोफेसर की मॉम की डेथ हुई थी। वो आदमी बताता है प्रोफेसर गैंगमो के डेथ के पहले वो यहाँ पर आए थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सानयंग के डैड उसी पेड़ के पास गए थे और उस पेड़ को खोदते हुए बोल रहे थे कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। वो आदमी बताता है जब तुम्हारे डैड ने वहाँ पर पेड़ को खोदा था तब उन्हें एक हेयरबैंड मिला था जिसे लेकर वो चले गए थे और अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं सानयंग एक गाड़ी के सामने आने वाली थी तो होंगसे उसको बचा लेता है। वो नोटिस करती है कि वो किसी पार्क में है। वो पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई। वो डरते हुए पूछती है कि इस बार मैंने क्या कर दिया। वो टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर घर के अंदर आकर खुद को अच्छे से बंद कर लेती है और उसी प्रोटेक्शन वाली रस्सी को लगा लेती है ताकि इवल स्पिरिट इसको क्रॉस करके बाहर न जाए। इस तरफ प्रोफेसर योम जिस बुक को ढूंढ रहा था उसे वो बुक तो नहीं मिलता, लेकिन उसे 1959 का एक ईयर बुक मिलता है जॉन जेनरी के स्कूल का। उस बुक के अंदर उसे उसी ऑथर की फोटो दिखती है जो शायद उस स्कूल का टीचर था और साथ ही में उसे कोई अजीब सी ड्राइंग भी दिखती है। थोड़ी ही देर में होंगसे वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसको बताता है कि मैं इवल स्पिरिट से मिला था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब सानयंग ने अपनी गाड़ी को रोक दिया था तब होंगसे उसके पास गया था। वो उसको देखकर समझ गया था कि ये इवल स्पिरिट है। स्पिरिट ने उससे लिफ्ट मांगा था और उसके बाद वो एक पार्क में आकर उतर गई थी। वो खुश तो लग रही थी लेकिन बार बार उसका मूड बदल जा रहा था। वो होंगसे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई एक इंसान पसंद करे। होंगसे उसको पूछता है कि तुम ये सारा कुछ क्यों कर रही हो, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो स्पिरिट ने गुस्से से कहा था अगर तुम मरे नहीं हो तो तुम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, मरना क्या होता है ये तुमको क्या समझ में आएगा। उसके बाद वो वहाँ की एक लड़की का हाथ दबाकर उसको दर्द देने लग जाती है। वो स्पिरिट बोलती है मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। फिर वो बोलती है मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से वापस जाना है। होंगसे प्रोफेसर से बताता है कि मुझे उसकी सारी बातें सुनकर यही समझ में आया कि ना वो बच्ची है ना वो एडल्ट है, बल्कि मुझे वो एक टीनेजर लग रही थी लेकिन मोगदान तो सिर्फ 10 साल की थी। दूसरी तरफ हम सानयंग को देखते हैं जो उन्हीं ड्रॉइंग्स को देख रही थी जो इवल स्पिरिट ने बनाया था। उस ड्रॉइंग को देखकर समझ आ रहा था कि उसमें फुल मून था, यानी कि स्पिरिट के मरने के पहले उसने फुल मून देखा था। फिर वो नोटिस करती है कि जब मोगदान गायब हुई थी और जब उसका मर्डर हो गया उसके बीच में फुल मून था ही नहीं। योम को अब समझ में आ गया था कि प्रोफेसर गैंगमो इसीलिए फेल हुए थे क्योंकि उनको इवल स्पिरिट का नाम नहीं पता था। इस तरफ सानयंग उस इवल स्पिरिट की परछाई को देखकर कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम मोगदान नहीं हो। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म होता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था सानयंग और प्रोफेसर दोनों को पता चल गया था कि वो इवल स्पिरिट मोगदान नहीं है बल्कि कोई और ही है। एपिसोड 10 के शुरुआत में दरवाजे पर जोर जोर से नॉक हो रहा था और दूसरी तरफ से सानयंग की मॉम की आवाज आ रही थी। सानयंग को पहले बहुत डर लगता है लेकिन उसकी मॉम की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी इसलिए वो दरवाजा खोल देती है। वो देखती है कि दरवाजे के बाहर तो उसकी मॉम ही है। सानयंग जल्दी से दरवाजे को बंद करके दोबारा से रस्सी को लगा देती है। वो अपनी मॉम पर बहुत चिल्लाती है। वो बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो उसकी मॉम बताती है घर पर एक डिटेक्टिव आया था और वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई। सानयंग उनको बोलती है आप अभी घर जाओ, रात में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम और भी ज्यादा डर जाती है। वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारे डैड ने भी यही कहा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब सानयंग की मॉम सानयंग को लेने के लिए आई थी तब वहाँ पर प्रोफेसर गैंगमो आया था। उसने कहा था कि अगर तुम इसको लेकर जाना चाहती हो तो कल सुबह लेकर जाना क्योंकि रात में सेफ नहीं है, इसीलिए वो रात भर वहीं पर रुकी थी और सुबह होते ही वो सानयंग को लेकर वहाँ से निकल गई थी। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अपनी दादी से मिलने के लिए आया था। वो अपनी दादी से पूछता है कि उस इवल स्पिरिट का नाम मोगदान नहीं है ना, क्या नाम है उसका। उसकी दादी उसको पूछती है कि क्या तुम भी उस इवल स्पिरिट को भगाना चाहते हो। प्रोफेसर पूछता है कि अगर वो इवल स्पिरिट गायब भी हो गई तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको छुपा रहे हो क्या। उसकी दादी बोलती है मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है उस इवल स्पिरिट का नाम मोगदान है। अब ये सब सुनकर प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ की सारी बुक्स को फेंकने लगता है ताकि कुछ इवल स्पिरिट के बारे में पता लगा सके। उसकी दादी गुस्से में बोलती है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह मरोगे। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और प्रोफेसर को बाहर लेकर जाते हैं। प्रोफेसर यहाँ पर होंगसे के साथ में आया था। वापस आकर वो होंगसे को बताता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके उस इवल स्पिरिट का नाम पता कर लेंगे। दूसरी तरफ सानयंग की मॉम की जब नींद खुलती है तो वो देखती है वो अपने पुराने रूम में है। ये सब देखकर वो डर जाती है तो सानयंग उनको अपने डैड की दवाइयाँ दिखाती है और बोलती है कि मेरे डैड बीमार थे।
धीरे धीरे करके उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। सानियंग उनसे पूछती है कि आपके डैड के साथ कोई अच्छी मेमोरी नहीं है क्या। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तब वो बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद गैंगमो से कोई मिलने के लिए आया था, एक्चुअली में वो किम था। वो प्रोफेसर योम की मॉम की कुछ चीजें उनको देता है। वो बताता है योम की दादी को ये बात पता नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। एक्चुअली में प्रोफेसर गैंगमो योम की दादी से ये सारी चीजें मांगने के लिए गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अगले दिन सानियंग योम से मिलने के लिए जाती है। वो बोलती है बाकी के ऑब्जेक्ट्स ढूंढने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। उसके बाद वो बताती है मैंने जितनी बार भी उन ऑब्जेक्ट्स को टच किया है मुझे कुछ मेमोरीज दिखाई दिए हैं, शायद वो मेमोरीज उसी ईवल स्पिरिट के हैं। फिर वो बताती है मैंने जब उस हेयरबैंड को टच किया था तो मैंने किसी लड़की को मिरर के सामने बैठा हुआ देखा था, और जब मैंने उस रबर बैंड को टच किया था तो मैंने किसी औरत को फांसी पर लटकता हुआ देखा था। अब उसी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते हुए वो लोग एक जगह पर आते हैं। एक्चुअली में ये जगह पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। वो दोनों मिलकर उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से उस चौथे ऑब्जेक्ट को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम होंगसे को देखते हैं जो जंग्यून कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। केस फाइल पढ़कर पता चलता है कि जंग्यून कैपिटल ने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज कर रखी थी लेकिन कोई भी केस पुलिस तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था। एक केस फाइल में ये लिखा था कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ी थी क्योंकि प्रोफेसर योम के फादर जेहो की मौत हो गई थी। उस केस में जो डिटेक्टिव इन्वॉल्व था होंगसे उसी से मिलने के लिए आता है। डिटेक्टिव बताता है मैं जेहो से उसके मरने के एक दिन पहले मिला था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब डिटेक्टिव जेहो से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा था तब उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। हम देखते हैं उसके हाथों पर भी वही निशान था। जिस हॉस्पिटल में योम के ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी उसी हॉस्पिटल में उसके डैड की भी डेथ हुई थी, इसीलिए वो जाकर उसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलता है। उसको पता चलता है कि जंग्यून कैपिटल की तरफ से इस हॉस्पिटल को बहुत सारी फंडिंग मिल रही है। वो उसको पूछता है कि उस कंपनी ने इतना सारा पैसा तुम्हारे हॉस्पिटल में क्यों इन्वेस्ट किया है। पहले तो वो डॉक्टर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था लेकिन धमकी सुनने के बाद वो बोलता है कि मैंने तो बस वही किया जो मुझे योम की दादी ने करने के लिए बोला। दूसरी तरफ प्रोफेसर और सानियंग उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे थे तभी सानियंग को वहाँ के सीलिंग पर कुछ मिलता है। वो जैसे उसको हाथ लगाती है तो वो बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। प्रोफेसर देखता है कि वो कंटिन्यूअसली ऊपर देख रही है। उसके बाद सानियंग चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था इसलिए वो भागते हुए एक स्टोर पर आती है और वहाँ पर पानी पीने लग जाती है। इतना पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती और वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। सानियंग फिर कहती है मैंने उन लोगों से भीख मांगी थी और कहा था कि मुझे कुछ खाने को दे दे, थोड़ा सा पानी ही दे दे, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। 7 दिनों तक मैं बिना पानी के जिंदा थी लेकिन उन लोगों ने बस इतना बोला कि तुम अभी भी जिंदा हो। प्रोफेसर योम कहता है तुम सही बोल रही हो, हमने तुम्हें मार कर तुम्हें यूज किया लेकिन तुम भी तो मुझे यूज ही कर रही हो उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए। प्रोफेसर योम पूछता है कि सारे ऑब्जेक्ट ढूंढने के बाद तुम क्या करोगी, तो वो स्पिरिट कहती है जल्दी से जाकर उस लास्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढो फिर तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। वहां से निकलकर जब वो घर आता है तो उसको होंगसे बताता है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे ग्रैंडफादर के हाथ में भी वैसे ही चोट के निशान थे। ये सुनकर प्रोफेसर योम को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसको तो हमेशा यही बताया गया था कि उसके डैड काम करते करते एक दिन बेहोश हो गए थे और उनकी जान चली गई। उसके बाद होंगसे बताता है कि मैं उसी हॉस्पिटल में गया था जहां पर तुम्हारे डैड और ग्रैंडफादर को एडमिट किया गया था, वहां जाकर मुझे कोई अजीब बात पता चली है। उसके बाद प्रोफेसर जाकर किम से मिलता है। वो किम को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। उस रिकॉर्डिंग में उसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर यूजिन के बारे में कुछ बोल रहा था जो किम का बेटा था। डायरेक्टर बताता है एक्सीडेंट के बाद यूजिन काफी क्रिटिकल कंडीशन में था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं डॉक्टर योम की दादी को बताता है कि यूजिन कोमा में चला गया है, तो योम की दादी कहती है अगर ये मर गया तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर वो अकेली यूजिन के रूम में जाती है। डॉक्टर ये भी बताता है जब वो वापस से अंदर गया था तो यूजिन मर चुका था, यानी कि प्रोफेसर योम की दादी ने यूजिन को मार दिया था। किम को ये सब सुनकर भरोसा नहीं हो रहा था कि योम की दादी ने उसके बेटे को मार दिया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं यूजिन ने प्रोफेसर योम की दादी और सानियंग के डैड के बीच की सारी बातें सुन ली थी और प्रोफेसर योम की दादी ने यूजिन को ऑफिस से निकलते हुए देख लिया था। वो समझ गई थी कि यूजिन ने सारी बातें सुन ली है। उसके बाद वो किम को बताता है कि उसकी दादी जो सीक्रेट को छुपाना चाहती थी एक्चुअली में वो एक इवल स्पिरिट के बारे में है जिस स्पिरिट को उन लोगों ने मिलकर बनाया था ताकि वो अपना फायदा कर सके। प्रोफेसर योम उसको पूछता है कि क्या तुमको सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो किम उसको एक पेपर दिखाता है। वो पेपर एक्चुअली में एक नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म था जो हर एक जंग्यून कैपिटल के लोगों से साइन करवाया जाता था। उसमें ये लिखा था कि किम किसी भी सिचुएशन में जंग्यून कंपनी के बारे में या फिर इस घर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। किम अब उस पेपर को फाड़ देता है। उसके बाद वो योम को बताता है कि तुम्हारे डैड हमेशा ही सूरज डूबने से पहले आते थे, रात में वो कभी भी बाहर नहीं जाते थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब किम रात में उठा था तब उसने योम के डैड को देखा था जो बहुत ही अजीब तरीके से बहुत कुछ खा रहे थे और योम की दादी वहीं पर खड़े होकर सब कुछ देखती रहती थी। फिर एक रात उसने ये देखा कि योम के डैड योम की मॉम से ये बोल रहे थे कि वो उसको मार देंगे। फिर वो
बताता है, मैंने तुम्हारे डैड को तुम्हारी दादी से एक बार बात करते हुए सुना था। वो उस इवल स्पिरिट से पीछा छुड़ाना चाहते थे क्योंकि वो स्पिरिट उसकी वाइफ को मारना चाहती थी। तो योम की दादी कहती है, तुम उसे इतना प्यार करते हो, यही सबसे बड़ी गलती है। उस स्पिरिट ने हमें इतना अमीर बनाया लेकिन इसके बदले उसको सबसे कीमती चीज चाहिए रहती है, और तुम्हारे लिए सबसे कीमती तुम्हारी बीवी है। उनको ये भी पता था कि शैमन ने योम की दादी को बताया था कि अगर आपको स्पिरिट से पीछा छुड़ाना है तो आपको इन सब चीजों को करना होगा, लेकिन अगर आपसे कोई भी गलती हो गई तो आपकी जान भी जा सकती है। योम के डैड ने उन पेपर्स को ले लिया था जिसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उस इवल स्पिरिट को भगाया जाता था। किम फिर बताता है, उस इवल स्पिरिट को भगाने के चक्कर में तुम्हारे डैड की डेथ हो गई। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, जब योम के डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनको पानी पीना था, लेकिन वो स्पिरिट उनको पानी भी पीने नहीं दे रही थी। यानी कि जब से उन्होंने उस स्पिरिट को भगाने की कोशिश की तब से उनकी ऐसी हालत हो गई थी, और इतने दिनों तक ना खाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अगले सीन में होंगसे सानियंग से मिलने के लिए आता है, तभी अचानक से सानियंग को दिखना बंद हो जाता है। वो होंगसे को ये बात पता लगने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है। होंगसे उसको पूछता है कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो, तो सानियंग कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। होंगसे जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठता है तो दूसरे रूम से फोन की आवाज आती है। वो देखता है कि सानियंग उठी नहीं रही है, इसलिए वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो चला गया। सानियंग को लगता है कि वो चला गया, इसलिए वो धीरे धीरे करके फोन लेने को आगे बढ़ती है, पर नीचे गिर जाती है। होंगसे भागते हुए उसके पास आता है और उसको पूछता है कि क्या तुम कुछ देख नहीं पा रही हो। सानियंग हाँ बोलती है। वो कहती है, मुझे कुछ टाइम के बाद दिखने लग जाएगा, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं परमानेंटली अंधी हो जाऊंगी। उसके बाद सानियंग बताती है, जब तक वो इवल स्पिरिट मेरे अंदर है मैं सब कुछ देख सकती हूँ। फिर सानियंग उसको बताती है कि उसको इवल स्पिरिट ने कहा है कि अगर वो उसको अपने अंदर रहने देगी तो सानियंग हमेशा देख पाएगी। उसके बाद होंगसे उसको पूछता है कि तुमको याद नहीं है ना कि तुमने कल क्या किया। फिर वो उसके घर में रखे हुए कुछ पेपर्स दिखाता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, सानियंग एक लाइफ इंश्योरेंस वाले एजेंट से मिली थी। एक्चुअली में वो सानियंग नहीं बल्कि वो इवल स्पिरिट थी। उसने अपने मॉम के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस लिया था। इसका मतलब अगर उसकी मॉम को कुछ भी होता है तो सानियंग को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सानियंग समझ चुकी थी कि उस इवल स्पिरिट का अगला टारगेट उसकी खुद की मॉम है। उसके बाद वो प्रोफेसर योम को बुलाती है और सारी बातें उसको बता देती है। योम बताता है, वो इवल स्पिरिट तुमको अमीर तो बनाती है लेकिन उसके बदले तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। उसके बाद योम सानियंग से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई है, जरूर उस इवल स्पिरिट ने हमें मारने की धमकी दी होगी, लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तुम हमको पूरी बात बताओ। सानियंग बताती है, डिटेक्टिव मुनचुन ने मरने से पहले अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ रखा था। वो बताती है उस पेज में कुछ चाइनीज कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, तो सानियंग उस कैरेक्टर को ड्रॉ करके दिखाती है। योम कहता है, इसका मतलब है फैमिली रजिस्टर। अब वो लोग समझ गए थे कि मोगदान का कोई फैमिली मेंबर ही इविल स्पिरिट है। प्रोफेसर योम कहता है, शायद वो मोगदान की बहन होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी को उसका नाम ही नहीं पता है। अब उसका नाम पता करने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्रोफेसर योम कहता है, अब सारा आंसर मुझे मेरी दादी देगी। उसके बाद वो कैलेंडर की तरफ देखकर किसी सेफ डे के बारे में बात करता है। ये एक ऐसा दिन था जिस दिन कोई भी भूत प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और वो दिन नेक्स्ट डे ही था। अगले सीन में हम देखते हैं, सानियंग योम की दादी से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन उस वक्त वो सानियंग नहीं थी बल्कि वो इविल स्पिरिट थी। वो योम की दादी से कहती है कि कल योम यहाँ पर मेरा नाम जानने के लिए आने वाला है। योम की दादी पूछती है कि क्या तुम योम को भी मार दोगी। इवल स्पिरिट पूछती है कि क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है। योम की दादी कहती है, जब मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे को ही मार दिया तो इसके मरने से मुझे क्या दिक्कत होगी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, योम के ग्रैंडफादर उस इवल स्पिरिट से छुटकारा पाना चाहते थे। वो बोलते हैं, हमने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन योम की दादी को और भी पैसे चाहिए थे। वो और भी ज्यादा अमीर होना चाहती थी, इसीलिए वो उस इवल स्पिरिट के साथ मिल जाती है और अपने हस्बैंड को उस इवल स्पिरिट का गलत नाम बता देती है। उस टाइम पे इवल स्पिरिट ने योम की दादी से कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम जिंदा रहोगी, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी भी जान जाएगी। प्रेजेंट में वो इवल स्पिरिट का नाम बुलाती है, यांगी। और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में प्रोफेसर योम अपनी दादी के बारे में बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि उनके लिए टाइम रुका हुआ जैसा है, उनको तो ये भी नहीं पता कि किस दिन कौन सी तारीख होती है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से कोई इंटरेक्शन नहीं करती। यहाँ तक कि उनके पास तो कोई फोन भी नहीं है, चाहे कंपनी का मैटर हो या कोई और मैटर हो, वो दूसरों से अपना काम करवाती है। किम के थ्रू ही उसको टाइम का पता चलता है, किस टाइम पर क्या करना है, इन सारी चीजों का ध्यान किम रखता है और ये सालों से चला आ रहा है। फिर हम देखते हैं किम उनके कैलेंडर का डेट बदल देता है और एक दिन पहले का डेट लगा देता है। इन तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि सेफ डे को सानियंग इवल स्पिरिट बनकर प्रोफेसर की दादी से मिलने के लिए जाएगी और उस इवल स्पिरिट का नाम पता करेगी। अगले सीन में सानियंग प्रोफेसर की दादी से मिलने के लिए जाती है। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसके अंदर इवल स्पिरिट हो। कैलेंडर देखकर योम की दादी को तो यही लगता है कि ये सेफ डे के एक दिन पहले का दिन है और उनके सामने इवल स्पिरिट ही खड़ी है। वो उस इवल स्पिरिट को उसके नाम से बुलाती है, यांगी। प्रोफेसर की दादी ने उस इवल स्पिरिट से ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसका नाम किसी को नहीं बताएगी। सानियंग उससे
से कहती है कि आज सेव डे होने की वजह से आज तो आपकी जान बच जाएगी, लेकिन बाद में आपकी जान कौन बचाएगा। प्रोफेसर की दादी को अब रियलाइज हो गया था कि उसने क्या कर दिया। वो गुस्से से चिल्लाना चालू कर देती है। सानियंग के वहाँ से निकलने के बाद किम अंदर जाता है। प्रोफेसर की दादी उस पर चिल्लाकर बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो एकदम साइको की तरह चिल्लाने लग जाती है तो किम उसको उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है जहाँ पर उसके हस्बैंड और उसके बेटे को एडमिट किया था। किम वहाँ के डॉक्टर से कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो इस हॉस्पिटल के डोनेशन को हर साल अप्रूव करता हूँ, और इस रूम के अंदर जो भी होगा तुम उसको इग्नोर करना जैसे तुमने बहुत सालों पहले किया था। अंदर जाकर वो प्रोफेसर की दादी से बोलता है कि सिनारियो पूरा बदल गया है, तुम यूजिन की जगह हो और मैं तुम्हारी जगह हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया है। सानियंग भागते हुए अपने घर पहुँचती है और वो प्रोटेक्शन वाली रस्सी लगाकर खुद को बंद कर लेती है ताकि वो इवल स्पिरिट बाहर ना निकल सके, क्योंकि अब सेफ डे खत्म हो चुका था। रात के 3 बजते उसे इवल स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है। स्पिरिट कहती है तुम्हारे साथ भी तो हमेशा गलती हुआ है, तुम इतना मेहनत करती थी, दिन रात काम करती थी, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए तुम मुझे अपने अंदर रहने दो। वैसे भी तुम मेरी ही तरह हो, तुम्हें उस फ्रॉड आदमी से बदला चाहिए था और यहाँ तक कि तुम्हें एक घर भी चाहिए था। सानियंग की जैसे ही नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर आग लगी हुई है। वहाँ के धुएं की वजह से वो बेहोश हो गई थी। कुछ ही टाइम में वहाँ पर फायर फाइटर्स पहुंचकर उसको बचा लेते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो पता चलता है कि वो एक एम्बुलेंस के अंदर है। एक्चुअली में ये सारा कुछ उसी इवल स्पिरिट ने किया था। उसने जानबूझकर आग लगाया ताकि जब लोग सानियंग को बचाने के लिए अंदर आए तो उसको मौका मिल जाए बाहर जाने का। आग लगाने से पहले उसने फायर फाइटर्स को वहाँ का एड्रेस दे दिया था। अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी इसलिए प्रोफेसर योम और होंगसे भी बाहर आ जाते हैं। होंगसे यांगी के रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए जा रहा था और प्रोफेसर योम उस लास्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जा रहा था। उसी वक्त उसको सानियंग का कॉल आता है। सानियंग उसको बताती है कि मैं उस प्रोटेक्टिव रस्सी के बाहर आ गई हूँ और मैं अभी घर ही जा रही हूँ। तभी वो नोटिस करती है कि बारिश शुरू हो गई है, यानी कि धूप चली गई थी। तभी उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। वो देखती है कि वो स्पिरिट किसी लोकेशन पर जा रही है। लोकेशन का नाम सुनकर योम समझ गया था कि वो स्पिरिट होंगसे की तरफ जा रही है। सानियंग उसको फोन करने की भी कोशिश करती है लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। तभी होंगसे सिग्नल के पास रुका हुआ था। उसी वक्त वहाँ पर वो इवल स्पिरिट आती है। वो दरवाजा खोलने ही वाला था लेकिन तभी उसको याद आता है जब पुलिस स्टेशन में उसने दरवाजा खोला था तो सानियंग के फेस पर यही एक्सप्रेशन था। वो समझ गया था कि यह सानियंग नहीं है बल्कि वो इवल स्पिरिट है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। दूसरी तरफ सानियंग को दोबारा से एक विजन आता है। वो स्पिरिट अब होंगसे की लोकेशन से प्रोफेसर योम की लोकेशन पर जा रही थी। इस तरफ हम योम को देखते हैं जो ट्रेन में जा रहा होता है। तभी उसे नॉक होने की आवाज आती है। वो उस प्लेटफॉर्म पर उसी स्पिरिट को देखता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है योम भागता हुआ जाकर अपने आप को दूसरे कंपार्टमेंट में बंद कर लेता है। स्पिरिट वहाँ भी पहुंचकर नॉक करने लग जाती है। तभी एक दूसरा पैसेंजर उस डोर को खोल देता है लेकिन ठीक उसी समय सानियंग ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था। अगले सीन में योम उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां पर पहले उसी लाइब्रेरियन का अपार्टमेंट हुआ करता था। वहां के मैनेजर से वो पूछता है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर आपको कोई अजीब सी चीज मिली थी क्या। वो बताता है कि हमको मिला तो था। दूसरी तरफ होंगसे एक बिल्डिंग में आता है जहां पर उसको यांगी का स्कूल रिकॉर्ड मिलता है। उसे पता चलता है कि यांगी मोगदान की बड़ी बहन थी। इस तरफ वो मैनेजर आकर योम को वही सामान देता है। योम नोटिस करता है कि वो ऑब्जेक्ट तो टूटा हुआ है। फिर वो सानियंग को कॉल करके बताता है कि उनको लास्ट ऑब्जेक्ट और यांगी का स्कूल रिकॉर्ड दोनों मिल गया है। थोड़ी ही देर में होंगसे भी वहां पर पहुंचता है। वो योम को यांगी का रिकॉर्ड दिखाता है। वो बोलता है कि मोगदान की बॉडी को जानजंडरी में वापस भेज दिया गया था। आखिर यांगी की बॉडी का क्या हुआ। इस तरफ वो इवल स्पिरिट सानियंग को कुछ विजन्स दिखाती है। उन विजन्स को देखकर सानियंग एकदम डर गई थी। वो दरवाजा खोलकर सीधा भागने लग जाती है। दूसरी तरफ हम सानियंग की मॉम को देखते हैं जो सेमी के साथ में थी। उसी वक्त उनको इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आता है। वो बताते हैं कि सानियंग ने तुम्हारे नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस लिया है। सानियंग की मॉम पूछती है कि मेरे मरने के बाद सानियंग को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो वो लोग हाँ बोलते हैं। ये सुनकर सानियंग की मॉम एकदम से शॉक हो गई थी। उसी वक्त उनको सानियंग का कॉल आता है लेकिन वो डर के मारे फोन ही नहीं उठाती। वो सेमी से भी मना कर देती है और बोलती है फोन मत उठाना। इस तरफ सानियंग तेजी से अपनी मॉम की तरफ ही आ रही थी। तभी उसे योम का कॉल आता है। वो योम को बताती है कि वो इवल स्पिरिट मेरी मॉम को मारने वाली है। इस तरफ सानियंग की मॉम इंश्योरेंस वाली बात सुनकर बहुत एंग्शियस हो रही थी। तभी सेमी उनके हाथों में कुछ अजीब सा निशान नोटिस करती है। पता चलता है कि कैफे का दरवाजा खुला रह गया था, इसी वजह से वो इवल स्पिरिट अंदर आ गई थी। सानियंग की मॉम अपने आप को फांसी लगाने लग जाती है। सेमी रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन वो सेमी को ही धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर सानियंग पहुँचती है। वो अपनी मॉम को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। तभी सानियंग एक कांच के टुकड़े को लेकर अपने गले के पास लगा लेती है। वो बोलती है अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो मैं भी मरूंगी और अगर मैं मरी तो तुम गायब हो जाओगी। ये सब देखकर वो इवल स्पिरिट रुक जाती है। तभी वहाँ पर होंगसे और योम पहुँचते हैं। जब होंगसे पूछता है तो सेमी बताती है कि सानियंग यहाँ पर आई थी लेकिन वो यहाँ से भाग गई। योम होंगसे से कहता है कि तुम जाकर सानियंग को ढूंढो, मैं उस लास्ट ऑब्जेक्ट को सील करूंगा। उसको ढूंढते हुए वो सानियंग के घर पहुँचता है लेकिन सानियंग उसको वहाँ पर नहीं मिलती। तभी वहाँ पर
पर फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर एक आदमी कहता है कि उसको प्रोफेसर गैंगमो की बेटी से बात करना है। होंगसे फिर उसी आदमी से मिलने के लिए पहुंचता है। पता चलता है कि इस आदमी ने प्रोफेसर गैंगमो का फ्यूनरल अटेंड किया था और सानयंग ने कॉल करके उनको कहा था कि वो मिलना चाहती है। होंगसे वहां पर वही फुल मून वाली पेंटिंग नोटिस करता है तो उस आदमी की वाइफ बताती है कि मैंने उस पेंटिंग को बनाया है। अगले सीन में हम प्रोफेसर योम को देखते हैं जो उसी शैमन से मिलने के लिए आया था। योम के बोलने पर शैमन ने 5 प्रोटेक्टिव रस्सी बनाई थी ताकि वो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को सील कर सके। तभी शैमन योम से पूछती है कि तुम इस चीज को लेकर श्योर तो हो ना। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब प्रोफेसर गैंगमो शैमन से मिलने के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था कि ये सारी चीज मेरी लालच की वजह से शुरू हुआ और इसको मैं ही खत्म करूंगा। शैमन योम से कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो जैसा दिखाते हैं हर बार वैसा नहीं होता। ये सुनकर योम सोच में पड़ जाता है। वो यांगी के रिकॉर्ड को देखकर मन में कहता है कि इवल स्पिरिट तो एक मछुआरे की बेटी थी तो आखिर उसके पास इतना महंगा हेयर क्लिप कहाँ से आया। अब उसको इस बात का डाउट हो रहा था कि ये हेयर क्लिप आखिर उस 5 ऑब्जेक्ट्स में से है भी या नहीं। इस तरफ हम होंगसे को देखते हैं जो उसी पेंटिंग के बारे में पूछता है तो वो लेडी बताती है कि उसी ने इस पेंटिंग को बनाया है। होंगसे उसको पूछता है कि क्या तुम मोगदान को जानती थी तो वो लेडी बताती है मैं मोगदान की बड़ी बहन यांगी को जानती थी। वो बोलती है हम दोनों एक ही आर्ट क्लास में थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं वो दोनों ही अपने आर्ट क्लास में थे जहाँ पर उनके टीचर ने उसी मून की ड्रॉइंग को बनाने के लिए बोला था। क्लास के बीच में मोगदान यांगी को बुलाने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो मोगदान के साथ चली जाती है। रास्ते में उसे कलर्स के सेट मिलते हैं लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो नहीं खरीद पाती। फिर वो दोनों बीच पर जाते हैं जहाँ पर यांगी अपना लंच बॉक्स मोगदान को दे देती है। उनकी बातों से पता चलता है कि यांगी कभी भी अपना लंच बॉक्स स्कूल में नहीं खाती थी क्योंकि सारे बच्चे अच्छा अच्छा खाना लेकर आते थे और उसको बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता था ऐसा खाना खाकर। फिर यांगी मन में बोलती है कि अच्छा तो यही होता कि तुम और मॉम डैड सारे लोग गायब हो जाते। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो योम की दादी से मिलने के लिए आया था। वो उनको बताता है कि अब आप जंगयून कैपिटल की सीईओ नहीं रहोगी। ये सब सुनकर योम की दादी चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, जंगयून कैपिटल को मैंने बनाया है, वो मेरा है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। किम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर वो इवल स्पिरिट खड़ी थी। जाते वक्त किम उनसे कहता है कि ये मेरा आखिरी बदला है। अंदर आकर वो इवल स्पिरिट उनसे कहती है कि तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, तुमने अपने पति और अपने बेटे को मार दिया। तो योम की दादी कहती है तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, तुमने भी तो अपनी छोटी बहन को बेच दिया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं चोई मानवल ने मोगदान को चूज नहीं किया था बल्कि उसने यांगी को चूज किया था और वो हेयरबैंड भी उसी को दिया था। हेयरबैंड लेकर वो बहुत खुश थी, उसको तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब रात को उसकी नींद खुलती है तब वो अपनी मॉम डैड की बातें सुन लेती है। वो लोग बोल रहे थे कि रिचुअल करने के लिए उसको तब तक भूखा रखा जाएगा जब तक वो मर नहीं जाती। यांगी के पेरेंट्स उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते थे लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो सारे ही लोग भूख से मर जाते। ये सब सुनकर यांगी रोने लग जाती है। अब वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है। अगले दिन वो उस हेयरबैंड को जाकर मोगदान को पहना देती है और बोलती है कि आज से ये हेयरबैंड तुम्हारा है। हेयरबैंड मिलने पर मोगदान भी बहुत खुश थी। अगले सीन में हम देखते हैं गांव में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी और सारे लोगों के लिए बहुत सारा खाना आया था। यांगी अच्छा अच्छा खाना लेकर अपनी मॉम के पास लेकर जाती है तो उसकी मॉम गुस्से से उस खाने को पटक देती है तो यांगी जोर से चिल्लाकर पूछती है कि आप तो यही चाहते थे ना कि मोगदान की जगह पर मैं मर जाऊं। हम देखते हैं कि उसके घर में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था जो यांगी को मोगदान को बेच कर मिला था। अगले दिन वो उसी पैसों को यूज करके अपने लिए बहुत सारा कलर्स खरीदती है। ये सब देखकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाकर पूछते हैं कि तुम जानती हो ना कि ये पैसा कैसे आया है, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली खत्म हो गई। पता चलता है कि उसकी मॉम ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। यांगी का भाई और उसके डैड पैसे कमाने के लिए फिशिंग करने के लिए जाते थे। एक दिन एक लेडी भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है कि जिस बोट में तुम्हारे डैड और तुम्हारा भाई गया था वो बोट डूब चुका है। वो रोते हुए बीच के पास जाती है। फिर वो सारा पैसा लेकर योम की दादी के घर जाती है। अगले सीन में हम योम को देखते हैं जो उसी हेयर क्लिप के बारे में सोच रहा था। वो मन में सोचता है कि यह यांगी का नहीं हो सकता है। फिर वो उस चोई मानवल के बॉक्स में कुछ ढूंढने लग जाता है। अंदर उसे एक फोटो मिलता है। फोटो में वो देखता है कि उसी शैमन ने इसी क्लिप को लगा रखा है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं यांगी ने सारा पैसा जाकर उस शैमन को दे दिया था और बोला था कि प्लीज मेरी बहन मोगदान को जाने दो। शैमन उसे उसी रूम में भेज देती है जहाँ पर मोगदान थी। अंदर जाकर वो देखती है कि मोगदान बहुत ही बुरी हालत में थी। तभी शैमन पीछे से आकर मोगदान पर चाकू से अटैक कर देती है। वो यांगी से कहती है कि तुम बहुत डरी हुई हो और गुस्से में भी हो, अब इवल स्पिरिट तुम ही बनोगी। शैमन वो कपड़ा निकालकर यांगी के ऊपर डाल देती है। सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर हम योम और होंगसे को देखते हैं। होंगसे बताता है कि यांगी के मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई थी लेकिन कभी भी उसकी बॉडी नहीं मिली।
योम समझ गया था कि यांगी के बॉडी को उसके घर के अंदर ही कहीं दफन किया गया है। अंदर जाकर वो एक जगह के बारे में बताता है। वो बोलता है कि हम में से किसी को भी उस जगह पर जाना अलाउड नहीं था। वो लोग उसी कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर शैमन ने उस रिचुअल को परफॉर्म किया था। दूसरी तरफ यांगी योम के दादी को बोलती है कि मैं तो जिंदा रहूंगी लेकिन तुम जिंदा नहीं रहोगी। हम देखते हैं कि प्रोफेसर की दादी के हाथ में भी वही निशान बनने लग गए थे। योम की दादी कहती है कि तुम्हारा नाम बताने के लिए सॉरी, लेकिन मैंने उस दूसरी चीज के बारे में किसी को नहीं बताया है। तो यांगी हंसकर बोलती है कि अगर तुम मर गए तो तुम किसी को कुछ नहीं बता पाओगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योम की दादी खिड़की से कूद जाती है। कुछ ही देर में सान्यांग को होश आ गया था, तभी उसे यांगी की आवाज़ सुनाई देती है। यांगी बोलती है कि तुम सबसे अच्छी हो, सारे लोगों ने अपने फायदे के लिए मुझे यूज किया लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। यांगी ने सान्यांग को हक कर लिया था। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। सान्यांग बोलती है तुम्हें जहाँ पर होना चाहिए तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वहाँ वेट कर रही है। इस तरफ योम को एक दरवाजा मिलता है। अंदर जाने पर उनको एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिलता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सदियों से कोई आया नहीं है। वो लोग जैसे ही वहाँ का कॉफिन खोलते हैं तो वहाँ पर उनको यांगी की बॉडी मिल जाती है। उसी वक्त योम को सान्यांग का कॉल आता है। सान्यांग बताती है इवल स्पिरिट ने उससे हेल्प मांगी है, स्पिरिट ने अपनी बॉडी को ढूंढने के लिए बोला है। सान्यांग उनको मना करके बोलती है प्लीज यांगी की बॉडी को मत ढूंढना क्योंकि वो इवल स्पिरिट जानबूझकर हम लोगों को यूज कर रही थी। तभी होंगसे नोटिस करता है कि बॉडी के हाथ में उसी क्लिप का आधा टुकड़ा है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं यांगी ने मौका पाकर शैमन पर अटैक कर दिया था और उसके बालों से उसी क्लिप को निकाल लिया था, लेकिन देखते ही देखते उस शैमन ने यांगी को मार दिया था और मरते वक्त उसके हाथों में उसी क्लिप का टुकड़ा था। प्रोफेसर योम समझ गया था कि उस इवल स्पिरिट ने जानबूझकर उसको इन सारी चीजों में इन्वॉल्व किया क्योंकि वो आखिरी ऑब्जेक्ट प्रोफेसर की दादी के घर के अंदर ही था और उसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए वो प्रोफेसर योम को यूज कर रही थी। इस तरफ हम सान्यांग को देखते हैं। वो जैसे ही अपनी परछाई को देखती है तो उसकी परछाई में वो इवल स्पिरिट नहीं थी। वो बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल देकर बोलती है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पर खत्म होता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था प्रोफेसर योम और होंगसे को वो लास्ट ऑब्जेक्ट यांगी के बॉडी के पास से मिल गया था और इस तरफ सान्यांग के परछाई में वो इवल स्पिरिट दिख तो रही थी, लेकिन जब वो अपने परछाई की तरफ देखती है तो उसे वो इवल स्पिरिट नहीं दिखती। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो इवल स्पिरिट उसके बॉडी से निकल चुकी है। अगले सीन में हम सान्यांग की मॉम को देखते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो सीधा कैफे आती है, तभी वहाँ पर सान्यांग भी पहुँचती है। वो सीधा आकर अपनी मॉम को हग कर लेती है और बोलती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी वक्त योम और होंगसे सान्यांग को ढूंढते हुए कैफे में पहुंच गए थे। जब वो सान्यांग की परछाई नोटिस करता है तब उसमें वो इवल स्पिरिट नहीं दिखती। वो योम को बताती है अब उसके परछाई में वो इवल स्पिरिट नहीं है, आखिर इसका क्या मतलब है। तो होंगसे उसे वो आखिरी ऑब्जेक्ट देता है और बोलता है कि ये हमें यांगी के बॉडी के पास से मिला है। सान्यांग जब उस ऑब्जेक्ट को टच करती है तो उसे कोई भी विजन नहीं दिखाई देता। योम कहता है अभी तक हमने उन ऑब्जेक्ट्स को सील नहीं किया है तो आखिर वो इवल स्पिरिट गायब कैसे हो गई। कुछ ही देर में योम के पास किम का कॉल आता है। वो बताता है कि उसकी दादी ने हॉस्पिटल की खिड़की से कर अपनी जान दे दी है। वो दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। योम जैसे अपनी दादी की बॉडी देखता है तो उनके हाथों का निशान देखकर वो समझ गया था कि ये सारा कुछ उस इवल स्पिरिट ने किया है। वो किम से पूछता है कि तुमने किया क्या ये सब, तो किम बताता है मैंने ही दरवाजा खोला था। ये सब देखकर योम काफी बौखला गया था। वो यहाँ वहाँ जाकर उस इवल स्पिरिट को ढूंढने लग जाता है। वो मन में सोचता है कि वो इतनी आसानी से जा नहीं सकती, वो जरूर यहीं पर है। वो किम पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। वो रोते हुए किम को बोलता है मैंने तुम्हें यूजिन के बारे में इसलिए बताया ताकि तुम अपनी लाइफ फ्री होकर अच्छे से जी सको, लेकिन तुम तो एक मर्डरर बन गए। दूसरी तरफ होंगसे एक डिटेक्टिव से आकर मिलता है। वो डिटेक्टिव बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सुसाइड है क्योंकि योम की दादी के तो हाथ बंधे हुए थे। डिटेक्टिव बताता है उनके मरने से पहले यहाँ पर दो लोग आए थे, एक तो वो था जो जंगयून कैपिटल का वाइस प्रेसिडेंट है और दूसरा एक लड़की आई थी। अब होंगसे योम को बताता है उसकी दादी के मरने के पहले तक सान्यांग उन्हीं के रूम में थी। योम कहता है ये सारा कुछ उस इवल स्पिरिट की वजह से हो रहा है, मुझे कैसे भी करके उन 5 ऑब्जेक्ट्स को सील करना होगा, जरूर कुछ ऐसा चीज है जो हमने मिस कर दिया है क्योंकि वो स्पिरिट तो यही चाहती थी कि हम उसकी बॉडी और उस लास्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढे। अगले सीन में हम सान्यांग की मॉम को देखते हैं। वो नोटिस करती है कि सान्यांग ने सारे फ्रेम के अंदर से फोटोज को हटा दिए थे। जब वो सान्यांग से इस बारे में पूछती है तो सान्यांग कहती है हम लोगों ने इतना कुछ टॉलरेट किया है, अब से हमें नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, हम नई नई जगह पर जाकर मेमोरीज बनाएंगे और उन सारे पुराने फोटोज को नए फोटोज से रिप्लेस कर देंगे। फिर सान्यांग कहती है मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूंगी, ऐसा करके हम लोगों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। सान्यांग की मॉम पूछती है क्या
तुम वो मून वाली ड्राइंग बनाओगी? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सानियंग की मॉम ने सानियंग के डैड को वही मून वाली ड्राइंग बनाते हुए देखा था। प्रेजेंट में सानियंग स्पून में खाना लेकर अपनी मॉम की तरफ बढ़ाती है तो सानियंग की मॉम पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो सानियंग बहुत इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आखिर आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। सानियंग चिल्लाना शुरू कर देती है तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। फिर सानियंग पूछती है कि आप भी यही चाहते हो ना कि वो जिंदा रहे और मैं मर जाऊँ? अगर ये बात सच है तो मुझे आपकी जरूरत नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं सानियंग मिरर के सामने खड़ी होकर लेफ्ट हैंड से अपने बालों को कॉम कर रही थी और फिर स्माइल करते हुए कंगी को राइट हैंड में ले लेती है। फिर टाइम देखकर उसको रियलाइज होता है कि वो काफी लेट हो गई है, इसलिए वो दौड़ती हुई बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम योम को देखते हैं जो उन 5 ऑब्जेक्ट्स को सील करने जा रहा था। पहले ऑब्जेक्ट को वो वहाँ पर सील करता है जहाँ पर उस इवल स्पिरिट ने उस फ्रॉड आदमी को मारा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को उन्हीं जगह पर सील करना था जहाँ पर उस इवल स्पिरिट ने किसी की जान ली हो। इस तरफ हम सानियंग को देखते हैं जो अपनी मॉम के रूम में थी। वो उनके बेड पर वो एक ऑब्जेक्ट को देखती है जो उन्हीं 5 ऑब्जेक्ट्स में से एक था। फिर अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उस ऑब्जेक्ट को उठाती है और वो सानियंग के एकदम नजदीक आ जाती है। सानियंग जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है लेकिन वो लड़की वहाँ के दरवाजे का ग्लास तोड़ देती है। सानियंग एकदम डर गई थी, वो भागते हुए बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि वहाँ पर एकदम अंधेरा सा हो गया था और आसमान में एक बहुत बड़ा सा मून था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ प्रोफेसर योम सानियंग के डैड के घर पहुँचता है क्योंकि वहाँ पर उस इवल स्पिरिट ने सानियंग की दादी को मारा था। दूसरी तरफ सानियंग यहाँ वहाँ भाग रही थी और वो लड़की उसका पीछा करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रही थी। अगले सीन में हम होंगसे को देखते हैं जो यांगी को फॉलो कर रहा था। पहले तो वो एक ज्वेलरी शॉप में जाती है, उसके बाद एक फ्लावर शॉप में और फिर एक कार रिपेयर शॉप में। होंगसे को समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ वहाँ क्यों जा रही है। उसी वक्त यांगी उसको देख लेती है और दरवाजे पे आकर नॉक करती है। होंगसे डरते हुए दरवाजा खोल देता है। यांगी कहती है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो तुमने दरवाजा क्यों खोला? होंगसे कहता है, मैं चेक करना चाहता था कि आखिर तुम सानियंग हो या नहीं। होंगसे समझ गया था कि सानियंग आखिर उन तीनों स्टोर में क्यों गई थी। ज्वेलरी शॉप में वो ज्वेलरी को पॉलिश होता हुआ देख रही थी क्योंकि उसमें साइनाइड का यूज होता था और फ्लावर शॉप में पेस्टिसाइड्स रखे हुए थे और ये सारी ही चीज पॉइजन की तरह काम करती थी। होंगसे सीधा उससे पूछता है, इस बार तुम किसको मारने वाली हो? सानियंग की मॉम को, उनके इंश्योरेंस के पैसे के लिए? तो सानियंग कहती है, अगर मैं ऐसा करना भी चाहूँ तो तुम क्या कर लोगे? तुम मुझे रोक तो सकते नहीं। होंगसे फिर कहता है कि आखिर तुमको क्या हो गया है, तुम अपने सारे विक्टिम्स को डायरेक्टली नहीं मारती थी, तो आखिर सानियंग की मॉम को तुम खुद क्यों पॉइजन देना चाहती हो? क्या तुमने अपने पावर्स खो दिए हैं जिससे अब तुम मर्डर को सुसाइड नहीं बना पा रही हो? तो यांगी कहती है, तुम भी सानियंग की साइड ले रहे हो, तुम क्या चाहते हो, वो जिंदा रहे और मैं मर जाऊँ? होंगसे उसको पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया है सानियंग के साथ? यांगी कहती है, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, सारा कुछ खत्म हो चुका है। इस तरफ प्रोफेसर योम उस ऑब्जेक्ट को सील करने के लिए आया हुआ था, तभी वहाँ पर सानियंग की मॉम भागते हुए आती है। उनके हाथ में एक कांच का टुकड़ा था। वो आकर प्रोफेसर योम पर अटैक कर देती है। वो कहती है, उसने मुझे कहा है अगर मैंने तुमको मार दिया तो वो मेरी बेटी को छोड़ देगी। फिर सानियंग की मॉम बताती है उसको यांगी ने कहा था कि सानियंग एक मिरर में बंद है और वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती। फिर यांगी ने सानियंग की मॉम से कहा था कि अगर तुमने योम को मार दिया तो मैं सानियंग को छोड़ दूंगी। ये सब सुनकर योम समझ गया था कि यांगी और सानियंग ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया है। पहले यांगी मिरर के अंदर थी और सानियंग बाहर, और अब सानियंग अंदर चली गई है। अब वो समझ चुका था कि आखिर वो स्पिरिट क्यों चाहती थी कि वो लोग उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढे। उन ऑब्जेक्ट्स के जरिए ही वो सानियंग की बॉडी को ले पाई है। दूसरी तरफ होंगसे को एक डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो बताता है कि योम की दादी के पास से उन लोगों ने कुछ अजीब चीज को नोटिस किया है। फिर वो योम को कुछ फोटोज दिखाता है। वो कहता है कि उसकी दादी के उंगलियों में कुछ कट मार्क्स मिले हैं। फिर वो उसे एक सीसीटीवी दिखाता है जिसमें योम की दादी गिरने के बाद अपने हाथों की उंगलियों को काटने की कोशिश कर रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई मैसेज भेजना चाह रही थी। तभी योम को याद आता है, जब वो लोग मोगदान के बारे में पता कर रहे थे तब उनको पता चला था कि रिचुअल करने के लिए मोगदान की एक उंगली को काटा गया था। वो कहता है, अगर मोगदान की उंगली को काटा गया था यानी कि यांगी की उंगली को भी काटा गया होगा और उसकी दादी यही मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं फॉरेंसिक वाले यांगी की बॉडी को कलेक्ट करने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर जाकर पता चलता है कि उसकी एक उंगली मिसिंग थी। योम समझ गया था कि जरूर उसकी दादी ने उसकी उंगली को घर के अंदर ही कहीं छुपाया होगा। वो लोग पूरा घर ढूंढ लेते हैं लेकिन उनको वो उंगली नहीं मिलती। इस तरफ सानियंग की मॉम जब घर आती है तो वो यांगी को बता देती है कि वो लोग मिलकर उसकी उंगली को ढूंढ रहे हैं। फिर वो यांगी से कहती है, मैंने तुमको इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है, तुम प्लीज सानियंग को छोड़ दो। तो यांगी उनके तरफ एक जूस का ग्लास बढ़ाती है और कहती है, अगर तुमने ये पी लिया तो मैं सानियंग को छोड़ दूंगी। सानियंग की मॉम समझ गई थी कि उसने इसके अंदर जहर मिलाया है लेकिन फिर भी वो उस जूस को पी लेती है। तभी योम को सानियंग की मॉम का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि जल्दी से यहाँ पर आओ, यांगी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मैसेज देकर वो लोग तुरंत ही निकलते हैं। एक्चुअली में वो मैसेज यांगी ने ही योम को भेजा था ताकि उनको यहाँ पर बुलाकर वो वहाँ जा सके अपनी उंगली को लेने के लिए। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उस शैमन ने योम की दादी को एक इंस्ट्रक्शन दिया था और बोला था कि अगर तुमको इवल स्पिरिट से छुटकारा पाना है तो तुम्हें ये
सारा कुछ करना होगा। और उनको एक बॉक्स भी दिया था जिसके अंदर यांगी की उंगली रखी हुई थी और कहा था अगर उस स्पिरिट ने किसी की बॉडी को कैप्चर कर लिया तो आप उसकी उंगली को डिस्ट्रॉय कर देना। जब योम की दादी उस बॉक्स को छुपा रही थी तब उस इवल स्पिरिट ने उनको ऐसा करते हुए देख लिया था। यांगी योम के घर आकर उसी जगह से उस बॉक्स को निकालती है, तभी पीछे से योम आ जाता है। एक्चुअली में योम और होंग से जब सानियंग की मॉम को बचाने के लिए निकले थे तब योम को ध्यान आया था कि सानियंग की मॉम को तो यांगी का नाम पता ही नहीं था, तो आखिर मैसेज में उन्होंने यांगी का नाम कैसे लिखा। इससे वो दोनों समझ गए थे कि वो मैसेज यांगी ने ही टाइप किया है, इसीलिए होंग से अकेला ही सानियंग की मॉम के पास जाता है। इस तरफ योम यांगी से कहता है तुम्हें हमें उस उंगली तक पहुंचा दिया, तो यांगी कहती है तुम्हें आइडिया नहीं है जिंदा रहने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता था, मेरे पेरेंट्स ने सरवाइव करने के लिए अपने बच्चों को ही बेच दिया, लेकिन अकेलापन क्या होता है ये सानियंग को कभी पता ही नहीं था। वो तो अपनी लाइफ से इतना ज्यादा तंग आ गई थी कि वो मरना चाहती थी, इसलिए उसकी जगह पर मुझे जीने दो, मैं बहुत मेहनत करके अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करूंगी। तो प्रोफेसर योम कहता है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिसीजन सिर्फ सानियंग ले सकती है। वो उसके हाथों से उस बॉक्स को ले लेता है और उसको जलाने ही वाला था, तभी यांगी वहां पर पड़ी हुई चीजों से अपने सर पर मारने लग जाती है और बोलती है अगर मैंने इस बॉडी को कुछ कर दिया तो सानियंग कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। योम के पास कुछ ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो रुक जाता है। मौका पाकर यांगी योम पर अटैक कर देती है और बॉक्स लेकर वहां से जाने लग जाती है, तभी उसके पैर ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। वो जाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसका पैर हिल ही नहीं रहा था। वहां पर पड़े हुए मिरर के अंदर यांगी सानियंग को देखती है। यांगी उसको पूछती है कि आखिर तुम बच कैसे गई, तो सानियंग बताती है जब वो लड़की मुझे मारने की कोशिश कर रही थी तब मैंने उसका चेहरा देखा और वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। वो बताती है उसकी लाइफ में काफी तकलीफें थी और वही तकलीफें उसका रूप लेकर उसको मारने के लिए आई थी। उसने आज तक अपनी लाइफ कभी भी अपने लिए नहीं जी, लेकिन उसी वक्त उसने डिसाइड किया कि आज से वो अपनी लाइफ अपने लिए जिएगी। अब सानियंग एग्जैक्टली वही करती है जो इतने दिनों से यांगी कर रही थी। वो यांगी को बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल करती है जैसे उसने अब तक लोगों को किया था। वो उसी के हाथों से उस बॉक्स को जलाती है जिसके अंदर उसकी उंगली थी। ऐसा करते यांगी एकदम से गायब हो जाती है और सानियंग को अपनी बॉडी मिल चुकी थी। यहाँ से सीन थोड़ा सा आगे आ जाता है। सानियंग अपनी मॉम और सेमी के साथ एक ट्रिप पर गई थी जहाँ पर वो सारी चीजें करती है जो वो हमेशा से करना चाहती थी। फिर सानियंग जब अपने मॉम के कैफे में थी तब होंग से वहाँ पर आता है। वो उसके आंखों के बारे में पूछता है। सानियंग बताती है अभी तो मैं देख पा रही हूँ लेकिन कुछ ही सालों में मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। दूसरी तरफ हम योम को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को लेकर एक जगह पर आया हुआ था। उसका एक स्टूडेंट योम के बारे में कहता है कि ये तो पागल है, इसने अपना सारा पैसा एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। योम उसकी बात सुनकर कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। कुछ ही टाइम में सानियंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो दोनों रात को फायरवर्क फेस्टिवल देखने के लिए जाने वाले थे। वो सानियंग से पूछता है कि क्या तुम अभी भी भूतों को देख सकती हो, तो सानियंग हाँ बोलती है। रात में फायरवर्क देखते हुए सानियंग बहुत खुश लग रही थी लेकिन अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी डरती नहीं है और मन में कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं सर्वाइव करूंगी। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।